नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं किताब वाला, जिसमें आज की किताब है ब्लैक वॉरेंट कन्फेशंस ऑफ अ जेलर। इसे रोली बुक्स ने पब्लिश किया है। इसके ऑथर हैं सुनील गुप्ता जी और सुनेत्रा चौधरी, एक जर्नलिस्ट और एक जेलर, एक्स जेलर। क्या है इस किताब में, क्या है इस किताब में जो मैं जिससे मिल रहा हूं उससे इसका जिक्र कर रहा हूं, इसकी तारीफ कर रहा हूं, कहां से सिरा शुरू करें। एक अधिकारी जो ज्वाइनिंग के लिए जाता है और उसे बिकनी किलर के नाम से कुख्यात या विख्यात आदमी उसकी ज्वाइनिंग में मदद करता है, या फिर देश के होम मिनिस्टर जो जेल की विजिट पर आते हैं और एक शराबी से उनका पाला पड़ता है, या फिर दो लोग जिन्होंने 500 रुपए के लिए एक मशहूर डॉक्टर की बीवी का कत्ल किया, डॉक्टर जिसके कहने पर कत्ल हुआ, इल्जामों के मुताबिक बच गया लेकिन इन कातिलों के पास संसाधन नहीं थे, या फिर दिल्ली का पहला निर्भया 1978 की वो शाम जब 16 और 14 साल के बच्चे ऑल इंडिया रेडियो की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले कार में ठिटक जाते हैं। ये रंगा और बिल्ला की क्रूरता की भी कहानी है और कहानी है उनको फांसी पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले के ड्रामे की, जब कुछ पत्रकारों को मुलाकात की इजाजत दी गई और उनमें से एक आखिरी में बोलता है, मैं इसकी तरह नहीं रोऊंगा, मर्द नहीं रोते हैं, और लगता है एक धार्मिक नारा। या फिर कहानी मकबूल बट की, वो पहला कश्मीरी चरमपंथी जिसे फांसी दी गई और जिसके शव को बाहर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई, या फिर एक बिस्किट किंग जिसका करोड़ों रुपए का साम्राज्य था लेकिन जो दवाइयों के अभाव में तड़प तड़प कर जेल में गठरी हो गया, जिसका बदन वो मर गया, या फिर निर्भया का जो गैंगरेप हुआ उसका एक मुख्य आरोपी जिसकी जेल में लाश मिली, किसी ने कहा आत्महत्या है, किसी ने कहा कत्ल है। हजारों कहानियां हैं जो तिहाड़ की दीवारों के पीछे दफन हैं, उसमें से कई कहानियां पहली दफा इस किताब के जरिए सामने आई हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब को लिखने के लिए। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सुनेत्रा ने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि आई हैड नेवर थॉट कि सुनील गुप्ता जी जिनसे मैं मिल रही हूं, कभी एज अ पीआरओ आप थे, कभी जेलर थे, इनके साथ मैं कोई बुक लिखूंगी, तो फिर ये कहां से आइडिया आया? देखिए, मैंने सोचा हुआ था कि किताब तो लिखनी, एक्सपीरियंस जितने थे और मुझे लग रहा था काफी फनी एक्सपीरियंसेस हैं। नोट्स लेते थे आप? नोट्स भी लेता था और वैसे दिमाग में नोट्स इम्प्रिंट थे, याद था सब कुछ, तो मुझे था कि कुछ लिखना चाहिए। तो फिर सुनेत्रा से मेल हुआ। सुनेत्रा को मैं 20 साल पहले से जानता हूँ। हाउ वाज शी एज अ यंग रिपोर्टर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस? इवन नाउ शी इज यंग रिपोर्टर एंड शी लुक एग्जैक्टली लाइक व्हेन शी ज्वाइंड। ओके। मैंने इनको कई बार कहा है ये कि आप बिल्कुल वैसे लगते हैं। तो 20 साल पहले जब मैं मिला था इनसे, जब इंडियन एक्सप्रेस किए थे, तो तब भी शी वॉज वेरी एनर्जेटिक एंड नाउ शी इज मोर एनर्जेटिक देन एवर। ओके। तो फिर उसमें हमने सोचा, बात की, तो इसमें एक प्रिया कपूर जी हैं, उनका मेन रोल रहा हमें रोली बुक्स की मुखिया, रोली बुक की जो मुखिया हैं उनका मेन रोल रहा हमें मिलाने का, और उन्होंने मिलाया और ये कहानी बन गई। एक्चुअली असली कहानी ये है कि मैं पिछली किताब लिख रही थी बिहाइंड बार्स, तो उस समय वो जो कहानी थी वो थी जो लोग जेल में जाते हैं, जो आरोपी हैं उनके साथ क्या होते हैं। और उस समय आपको याद होगा सौरभ, हम लोगों के जैसे हम जर्नलिस्ट थे, अगर 2012-13 में कोई जर्नलिस्ट रहा हो तो उस समय बड़े सारे जो PLUs हैं, पीपल लाइक आस, बड़े मतलब जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी जेल जाना होगा, जो अच्छे घरों में रहते हैं, लुटियंस दिल्ली में, बहुत सारे ऐसे लोग जा रहे थे जैसे तो उस समय मैंने फिर जब पूरी किताब मैंने लिख ली थी तो कुछ मतलब ऑफिशियल क्या सोचते हैं उसके बारे में, उसके लिए मैंने फोन किया। और तब मुझे 2016 की बात है और तब सुनील गुप्ता रिटायर करने वाले थे या तभी उन्होंने रिटायर किया, अराउंड दैट टाइम। एंड तब मैंने देखा उनमें, उन्होंने मुझे उस किताब में भी कुछ इनपुट्स दिए और मैंने देखा वो सुनील गुप्ता में, तब वो मतलब वो ऐसा एक फीलिंग था कि मुझे इतना कुछ है सुनेत्रा तुम्हें बताने के लिए कि मुझे किताब,
तब मैंने सोचा अरे मैंने अभी अभी जेल पे किताब लिखी है, एक और नहीं, अच्छा आप अपना किताब लिखिए, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, आप प्लीज लिखिए. और एक्चुअली इसमें यू नो सरप्राइजिंग चीज ये थी सौरभ कि अगर आप रिपोर्टर हो और अगर दिल्ली में जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स, जनरेशंस ऑफ क्राइम रिपोर्टर्स रहे हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स, वो सब सुनील गुप्ता को जानते हैं. क्यों? क्योंकि इतने सारे, जो आपने सारे केसेस के बारे में कहा, सबने रिपोर्ट किया होगा और सब जाते थे सुनील गुप्ता के पास, सर इसकी सच्चाई क्या है, यहाँ पे राजन पिल्ले की मौत हो गई है, आप सच्चाई हमें बताइए. और सुनील गुप्ता उनको कुछ मतलब यहाँ वहाँ घुमा देते थे, वो कहते थे हाँ हाँ ये है, अच्छा हम लोग इसका इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना तुम इख्तिहार में ना ओलंपिक्स होने वाले हैं, आप लोग उसमें पॉजिटिव स्टोरी करके सबको ना डिस्ट्रैक्ट कर देते थे. तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बोलेंगे ये वगैरह, तो मैंने ज्यादा, मैंने कहा ओके गुड लक टू हिम, मगर वो अपनी किताब लिखे. प्रिया कपूर जो मेरे पिछले किताब की भी संपादक थी, उन्होंने बोला कि नहीं सुने, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये किताब उनको चाहिए कि कोई लिख दे उनके साथ, और तुम विश्वास नहीं करोगी कि वो क्या क्या कह रहे हैं. मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, मैं ऐसी किताब नहीं लिखना चाहती जो कि पीआर है, और मैं चाहती हूँ कि कोई अगर बोले, क्योंकि आपको पता होगा सौरभ कि अगर आपने ह्यूमन राइट्स, और हम लोग सारे जितने भी पत्रकार हैं, हम लोग हमेशा जो जेल में रहते हैं, जो पिटते हैं, जो मारे जाते हैं, हम उनके साइड से बोलते हैं. पत्रकार का काम नहीं है कि हम लोग पीआर करें, तो मैं बिल्कुल उसमें नहीं गई. उसने कहा नहीं, तो हम लोगों की भी बातचीत हुई और हमने कहा कि अगर सुनील गुप्ता हर एक बात पर अगर सच बोलने को तैयार है, डरे ना, अफजल गुरु के साथ सही में क्या हुआ था, अगर ऐसा कोई बोलने को तैयार, then it's worth it. And हमने वही किया. Format क्या था? आप ऐसे बिल्कुल बताते थे, एक बार की बात है ऐसा हुआ, वो नोट्स लेती थी या डिक्टाफोन पे रिकॉर्ड करती थी, या आप सवाल पूछती थी? और नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, ये बहुत ही, क्योंकि आप सोच सकते हैं 35 साल का अगर कोई अपना अनुभव लिखे तो फिर वो, जैसे कि किसी और ने हमें कहा था कि आपकी तो 500 पेजेस की किताब क्यों नहीं बनी, लेकिन हमें बहुत ही फोकस तरीके से करना था और इस तरीके से करना था ताकि लोग बोर ना भी हो. या मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो इंट्रोडक्शन दिया कि आपको बोरियत नहीं हुई, क्योंकि ये एक, हाँ ठीक है ये सुनील गुप्ता की स्टोरी है, लेकिन ये हमारा यही एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि ये इस किताब से जितने भी लोग तिहाड़ में हैं, जितने भी लोग जा सकते हैं, उनकी कहानी को हम लिखें, या किसी भी जेल में जा सकते हैं. ये चार्ल्स शोभराज के बारे में हमने बचपन से बहुत पढ़ा है, मतलब अब तो फिल्म भी बन गई, उसमें कुछ चीजें आई. बस ये चार्म था उसका, कि एक तो उसका जो बोलने का, एक बड़ा स्मार्टली बात करता था, बहुत स्मार्टली बात करता था. पर्सनैलिटी तो उसकी थी, जैसे उसकी, उसका फादर जो है ही वॉज बंगाली, एंड उसकी जो मदर थी वो वियतनामी थी, और ये फ्रांस में जाके बस गए थे. तो जो भी हमारे यहाँ, वैसे भी जो इंडिया में, जो इंडियन जेल्स में जो गोरे आते हैं, तो वो अपने आप को काफ़ी हाई उस पेडस्टल पे अपने आप को समझते हैं. वहाँ भी रंग भेद है. वहाँ भी रंग भेद है. फेयर एंड लवली वाला. वो वाला है. तो ये जो चार्ल्स शोभराज था, ये बहुत टाकेटिव था, और दूसरा ये घूमता रहता था. इसको बड़ा मज़ा आता था अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन डिक्लेयर अपने आप को करने का. तो ये घूमता रहता था, लोगों की पेटिशनें बनाता था. तो मुझे तो सबसे पहले, मैंने अपनी बुक में लिखा है कि जब सबसे पहले मुझे मिला, मैं बैठा था, क्योंकि मैं रेलवे में नौकरी करता था पहले. जी, रेलवे से नौकरी करता. 1970, इट वॉज 1981. हाँ, तो 79 में मैंने रेलवे में नौकरी ज्वाइन की थी, 81 में मैंने छोड़ी थी. तो इनको मैंने 2 महीने का नोटिस दे के रेलवे में, फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आया. जब मैं ज्वाइन करने के लिए आया, तो मैं बैठा हुआ था, तो सुपरिटेंडेंट जेल के पास मैं गया. जी, तो सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि नहीं, यहाँ पे, क्योंकि वो हरियाणा के कैडर से थे सारे, जो उस टाइम पे पूरा हरियाणा का ऑफिसर होते थे, जो रीजनलिज्म भी था और कास्टिज्म भी था. कास्टिज्म भी था. तो मैं अभी भी है, वो तो रहेगा. तो दिस इज द काइंड ऑफ ब्रूटल ऑनेस्टी यू वर टॉकिंग अबाउट. जी, तो मैं जब गया वहाँ पे, तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे तो कोई जो एएसपी की जो भी पोस्टें थी हमने भर दी हैं, आप है ही नहीं है. मैंने कहा मैं रेलवे की नौकरी छोड़ के आया हूँ, तो आप ऐसे कह रहे हैं? तो कहते नहीं, तो आपने मेरे से पूछ के थोड़ी छोड़ी है. तो उस टाइम पे मैं बैठा था, तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बड़ा स्मार्टली ड्रेस था, कोट पैंट पहना हुआ था, टाई लगाई हुई थी. तो मैंने सोचा ये कोई हाई अप है तिहाड़ का,
अधिकारी, अधिकारी मैं उसको देख के खड़ा हो गया तो मुझे बाद में पता लगा कि ये उसने फिर चार्ल्स, ये चार्ल्स सोबराज है, उसने मुझे बताया कि आर यू न्यू, आई एम न्यू। तो फिर उससे बातचीत हुई तो उसने बातचीत में बताया कि ये बहुत तंग करता है, जो ये विज है बहुत तंग करता है, उसने मुझे भी तंग किया। फिर इसको मैंने, इसने मुझे कहा कि क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। उससे पहले मैंने अपना एक टेंट्रम फेंकना था, मैंने वो बी एल विज साहब को कहा कि आप आर पी सिंगल, दैट्स अ वेरी मजेदार एनेक्डोट, प्लीज शेयर इट विद आवर व्यूअर्स। एक्चुअली क्या था, जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हर एक एनसीईआरटी की बुक के जो उसका जो होता था उस पर सबसे पहले एक जो प्रस्तावना होती है वो आर पी सिंगल की होती थी। आर पी सिंगल ही, आई थिंक ही वाज़ द सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जी, जब मैंने ज्वाइन की, मेरे से पहले जो तीन चार लोगों ने ज्वाइन किया था तो वो सभी मुझे पता था कि बड़ी बड़ी अप्रोच लेके आए हैं, कोई होम मिनिस्टर की अप्रोच लेके आया हुआ था, कोई उस टाइम के ये स्पीकर होते थे उनके। ये सब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, मैंने किताब में पढ़ा तब भी, आपको कमीशन से आप सिलेक्ट हुए, आपको वहां पे अपॉइंटमेंट मिला है, फिर आपको किस बात की अप्रोच चाहिए? वो तंग करते थे। उन दिनों में क्या होता था कि हरियाणा वाले जो है उन्होंने पूरा तिहाड़ को अपने ग्रिप में लिया हुआ था, वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली के ऑफिसर आए और वो आगे हमारा ग्रिप किसी तरीके से वीकेंड हो, कमजोर हो। तो मेरे से पहले जो आए थे उनको भी इन्होंने ऐसे तंग किया था। तो खैर वो जो अप्रोच से आए हुए थे उनको तो इन्होंने बिल्कुल तंग नहीं किया, तो मेरे जैसे बंदे को इन्होंने करना था। तो मेरे दिमाग में एकदम माइंड ये आया कि मेरा भी गोत्र सिंगल है, तो मैंने उनको कहा कि सर आपको सिंगल साहब का फ़ोन आया था। तो कहते कौन सिंगल साहब, मैंने कहा वो IAS हैं। तो उन्होंने कहा था मैं फ़ोन करूँगा, तो उनको ये लगा कि ये भी अप्रोच ही है, इसको भी जानते हैं लोग, इसको भी जानते हैं, इसको अगर मैं नहीं करूँगा। ये लोग बहुत डरते थे, जो हरियाणा सर्विस HPS ऑफिसर के लोग होते थे, ये लोग बहुत डरते थे कि कोई इनको IAS या IPS कोई इनको कुछ कहते तो एकदम ये खड़े होके उनका काम जो है करते थे। तो मैंने जब ये टेंट्रम फेंका तो उसने कहा ठीक है अभी करते। तो फिर भी मैं बाहर बैठा हुआ था, इतने में चाल सोबरा जाया, इसको मैंने बताया कि मैंने कहा ये प्रॉब्लम है। ये कहते नहीं आई विल गेट योर वर्क डन। इन्होंने गए फिर जाके, तो इतने में फिर ये इन्होंने मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर था वो लिया, और उसका ये टाइप करना बड़ा अच्छा जानते थे, तो इन्होंने मुझे एक वो लेटर दे दिया जिसमें कि मेरे को अनरोल ले लिया था। व्हाट्स योर इंप्रेशन ऑफ तिहाड़'स ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही? I think this is such a typical story. And in fact, you know, he's talking about, you know, the caste system and the fact that how difficult it is. I mean, just imagine the frustration of someone who's got an offer letter and he can't join. I mean, it's something that you and I can't imagine. But Saurabh, you know, it's also reflective of how all the prisoners are treated. I know of real people, you know, for example, Ferreira. Arun Ferreira, right? Mm-hmm. Who's been caught now in this particular case of the, you know, the freedom of speech one in which, yes, Sudha Bhadwaj and all of them. Yes. Arun Bhadwaj in his book wrote the thing of how if the state wants to harass you, suppose, and you know, they always had the case against them of being Maoist sympathizers and they keep getting acquitted. उसमें ये होता है, और अगर कोर्ट चाहे, अगर कोई जेलर चाहे, वो तंग कर सकते हैं कि आपको आपने अपना पूरा सर्व कर दिया टर्म, आज आपकी रिहाई है, आप रिहाई के डोर पे गए, उन्हें कुछ और फ्रिवलेस चार्ज बना के आपका फिर से रीअरेस्ट करवा लिया। आपके पास ना ही कुछ वकील है, आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल कोबार्ड गांधी के केस में, अब थैंक गॉड कोबार्ड गांधी अब जेल से बाहर है उनको, बट आप कितना, आपके पास एक तो रिसोर्सेस होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर, अगर स्टेट चाहे, यही एक्चुअली बात मैं सबको समझाना चाहती हूँ कि अगर लोग कहते हैं कि हमारा इससे क्या लेना देना, ये तो दंगे, जो लोग चोर उचक्के हैं उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर स्टेट चाहे तो इन कानून को, UAPA जैसे कानून को इस्तेमाल करके हम, हमारे किसी के साथ भी, कि अरे सौरभ आप ब्लैक वारंट पढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही एंटी नेशनल खिताब है, आपके खिलाफ UAPA लगा देंगे कि आप सिंपथाइजर हैं अफजल गुरु के, और फिर अगर UAPA में कर दिया मतलब आपको बेल भी नहीं मिलेगी, आपको 100 दिन जेल में बिताने पड़ेंगे, उसके बाद वो उसको एक्सटेंड करवा देंगे।
तब आप क्या करेंगे? इवन दो आप पढ़े लिखे हैं, इवन दो यू नो नथिंग अबाउट अफजल गुरु, यू हैव जस्ट रेड ब्लैक वॉरेंट, बट यू कुड बी इन ट्रबल. एंड सो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, इवन दो बहुत ही फनी है कि वो पहले दिन ऐसे गए, लेकिन ये पूरा सिम्टोमैटिक है कि जेल में क्या होता है. जबकि नाम दिया जाता है सुधार गृह. जबकि नाम दिया जाता है सुधार गृह, जब जिसने चलानी है जेल, अगर वही सुधरे हुए नहीं होंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सुधारेंगे? ऐसे लोग बहुत है जिन जो कि सालों से है और उनका बस बेल 500 रुपए का है और कोई दे नहीं पाते. जैसे वो कहानी है नरेंद्र जैन की वाइफ के मर्डर वाली, वी विल कम टू दैट. ये ज्ञानी जैल सिंह की जेल विजिट का किस्सा बताइए. क्या था कि मैंने जो ज्वाइन किया था, मैंने 8 मई को ज्वाइन किया था, 7 मई से मेरा जो है रेलवे से इस्तीफा जो है वो मंजूर हुआ था, 8 को मैंने ज्वाइन किया. एक दिन भी मैंने वेस्ट नहीं किया. तो जब मैंने ज्वाइन किया तो पहला दिन तो बड़ा परेशानी वाला था ही. तो उसके बाद इन्होंने मुझे जो काम दिया, अलाट किया काम, इन्होंने मुझे काम दिया ये जो कैदी लोग होते हैं इनके वारंट्स का कस्टोडियन बनाया. वो काफ़ी मतलब एक इम्पोर्टेंट जॉब होता है कि वारंट का कस्टोडियन बनना, मींस कि फॉर एवरी कन्विक्ट यू हैव टू फिक्स द रिलीज डेट फॉर एवरी कन्विक्ट. तो मैं हमारी कोई ट्रेनिंग वगैरह ऐसी कोई हुई नहीं थी. मैं आपको बताऊं बात कि हमें जो ट्रेनिंग दी, असली ट्रेनिंग है वो किसने दी? असली ट्रेनिंग हमें कैदियों ने दी जो मर्डर के केस में थे. बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जेल जो चलती है, आज भी जेल जो चलती है, आपको हैरानी होगी इस बात को सुन के कि अगर प्रिजनर हमारा साथ ना दें तो हम जेल चला ही नहीं सकते. सब जगह प्रिजनर हैं. मतलब जैसे मैंने आपको अपनी ट्रेनिंग का बताया, ट्रेनिंग देने वाला कोई था नहीं, तो बिना ट्रेनिंग के हम आए थे. तो पहले वहाँ मुझे कैदियों के नाम याद है, एक धुम्मी होता था, एक चरणजीत था. धुम्मी ने मुझे बताया कि सर ये वारंट जो होते हैं बड़े ये होते हैं, इसको तो आप बड़ा संभल के जो है पढ़ना, हर एक चीज़ को बड़ा जोड़ के रखना होता है इसको. इसके उसने फिर मुझे बताया कैसे वारंट है, उसके ऊपर जो है कैसे कवर चढ़ाना है और कैसे उसको जो है रखना है और उसके ऊपर नाम लिखना है. तो ऐसे ही चरणजीत था, वो अंडर ट्रायल ऑफिस के जो अंडर ट्रायल्स के वारंट होते हैं उनको वो करता था. तो इन्होंने एक तरह की हमें कैदियों ने ट्रेनिंग दी. उसके बाद क्या होता है कि मेरा ऑफिस बिल्कुल जो जो जेल में एंट्रेंस होती है उसको कहते हैं जोड़ी, जोड़ी, क्योंकि पंजाबी वर्ड जो है, पंजाबी और उर्दू वर्ड जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. तो मैं बैठा था वहाँ पे, तो जनरली क्योंकि कैदी शाम को वापस आते हैं तो शाम के टाइम पे ही जो है वारंट आना शुरू होते हैं. वारंट उस टाइम पे 8, 9, 10 बजे तक आते रहते थे. तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि वारंट आएंगे. कैदी जैसे जेल से आते हैं तो कोर्ट से आते हैं तो साथ के साथ जो है वारंट उनके पुलिस वाले लेके आते हैं. मैं बैठा था, इतने में करीब करीब शायद ये होगा कोई 8, 8:30 बजे का टाइम होगा कि मुझे, मेरा जो गेट कीपर था उस टाइम पे अकेला मैं ही था. तो गेट कीपर भागता हुआ आया, कहने लगा सर कोई सरदार जी आए हैं, कह रहे हैं कि मैं होम मिनिस्टर हूँ तो अंदर आने दूँ. तो मैं भी नहीं जानता था इतनी इंपॉर्टेंस होती. मैं तो अखबार वगैरह पढ़ता था तो मुझे पता था कि क्या है वो. मैंने कहा अरे भैया जल्दी खोल दरवाज़ा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता था VIP लोग जो होते हैं उनके लिए बड़ा दरवाज़ा खुलता था. जो बड़े गेट होते हैं तो बड़ा पूरा दरवाज़ा खुलता था बड़ा, जो अगर आम आदमी है तो उसके लिए एक छोटा वाला जो दरवाजे के अंदर दरवाजा बना होता है उससे वो खोलते थे. तो उन्होंने उनके लिए बड़ा गेट भी नहीं खोला, छोटा गेट खोल दिया उनको. मतलब हमारे, मैं आपको बताऊं कि आप पुलिस में देखेंगे ना, कई लोग तो बिल्कुल ऐसे होते हैं बंदूक लेके खड़े हैं, उनके अगर आप नीचे से निकल जाओगे ना वो आपको कुछ नहीं कहेंगे. उनको ये इंप्रेशन होता है हम बंदूक लेके खड़े हो गए, वर्दी में हम हैं तो कोई हमारे यहाँ से भाग ही नहीं सकता. वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो. तो अब मेरे को भी बड़ी हैरानी, तो मेरा नया नया वो था. तो जैसे ही ज्ञानी जी को मैंने रिसीव किया, मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे ASP हूँ. और तो कह लगे आप वहाँ ले चलो जहाँ चाल सोभराज को रखा हुआ है. तब वो एक नंबर में था? हाँ नहीं, तब तो एक ही जेल होती थी. 1, 2, 3 तो बाद में हुआ है, 85 में हुआ है 1, 2, 3, उससे पहले एक ही जेल होती थी. अच्छा. इसको सेंट्रल जेल कहते थे. तो मैं उनको लेके वहाँ चला गया, चाल सोभराज के उसमें लेके गया.
तो चार्ल्स सोबराज से ये हिंदी में पूछ रहे थे, वो उसको हिंदी थोड़ी थोड़ी आती थी, वो इंग्लिश में जवाब दे रहा था। इनकी हिंदी पंजाबी वाली और मुझे तो ये वो उन्होंने देखा कि आप पूछा उन्होंने ज्ञानी जी ने कि आप किताब काफ़ी सारी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हाँ। तो पूरा आप देखें जैसे आपने रैक रखे हुए हैं ऐसे दो तीन रैक उसने अंदर किताबों के रखे हुए थे चार्ल्स सोबराज ने। तो उन्होंने ज्ञानी जी ने उससे पूछा कि तुम सारी किताबें तुम पढ़ते हो? तो उसने कहा हाँ मेरे को काफ़ी शौक है, पढ़ने का शौक है। तो और कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? उन्होंने नहीं कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो कोई पाँच एक मिनट वो वहाँ खड़े हुए। और ये विजिट ऐसे ही पत्रकारों की मेहरबानी से हुई थी पत्रकारों की मेहरबानी से हुई थी। उन दिनों में हम इंडियन एक्सप्रेस को तिहाड़ एक्सप्रेस कहते थे 81 में। इंडियन एक्सप्रेस में रोज सुदीप मजुमदार जिनका मैं नाम ले रहा था, एक सुदीप मजुमदार थे उनका रोज एक, जब तक तिहाड़ के ऊपर स्टोरी नहीं लिखते थे तो तब तक मुझे लगता है उनको खाना नहीं पछता होगा मजाक में कह रहा हूँ मैं ये जी जी। तो उनकी रोज एक स्टोरी आती थी उसमें अखबार में। तो लास्ट उनकी जो स्टोरी आई थी वो आई थी तिहाड़ रूल्स शोभराज रूल्स तिहाड़ जेल, ये उसकी स्टोरी आई थी। उसी उन दिनों पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो ज्ञानी जी इसलिए आए थे ताकि वो अपने पार्लियामेंट को बता सकें कि मैं खुद विजिट करके आया हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। मेनली उनका वो था ये कहने का, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि उनको मैंने उन दिनों में दो क्लास होती क्लासेज होती थी प्रिजनर्स की, एक होती थी बी क्लास एक होती थी सी क्लास। बी क्लास प्रिजनर्स जो होते थे वो अपने आप को समझते थे कि जैसे वो ऑफिसर्स हैं, वो हमें अपना अपने अपने आप को हमारे बराबर ही समझते थे। जो सी क्लास होते वो बेचारे आम जैसे जैसे रेलवे में होता था ना तब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास ऐसे होता था। तो बी क्लास वाले अपने आप को ये जो इनकम टैक्स पे ही होते हैं और जो ग्रेजुएट होते थे एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस उनको टैक्स पेयर्स उनको बी क्लास देते थे, बाकी सी क्लास होते थे। तो बी क्लास वार्ड में हमने चार्ल्स सोबराज को रखा हुआ था। तो ज्ञानी जी ने वो देखा, फिर उसके बाद सुनील बत्रा वगैरह के उसमें गए, सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पिटीशन माफिया सुनील बत्रा, हाँ सुनील बत्रा ये सारे इकट्ठे होते विपिन जागी वगैरह सारे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने कहा ये तो आज विजिट बड़ी अच्छी हो रही है, कोई ऑफिसर भी यहाँ नहीं, अकेला मैं हूँ और अभी मेरे को दो महीने। आप देखें मैंने मई में ज्वाइन किया था, दिस इज ऑफ सितंबर का ये इंसिडेंट है जब वो आए थे। तो मई जून जुलाई तीन महीने हुए थे मुझे आए हुए। तो मैं खुश हो रहा था कि चलो बड़ी अच्छी विजिट हुई। इतने में जब निकल रहे थे तो एक भज्जी भज्जी करके एक प्रिजनर होता था, एक भज्जी प्रिजनर था, उसके साथ एक दीना करके था, दोनों ड्रग एडिक्ट थे। तो इतने में भज्जी सामने आया उसी, मतलब जस्ट हम जब निकलने वाले थे उस बी क्लास वार्ड से बाहर निकलने वाले थे तो आया, उसने जोर से बोलना शुरू कर दिया, चाचा नेहरू जिंदाबाद चाचा नेहरू जिंदाबाद, ये तो चाचा नेहरू की जेल है। तो मैं बिल्कुल, मेरा माइंड जो है इतना वो नहीं था, क्रूक नहीं था कि मैं समझ पाता कि क्या क्यों बोल रहा। मैंने कहा, और ज्ञानी जी खुश हो रहे थे कि चाचा नेहरू की यहाँ जेल के अंदर भी जिंदाबाद हो रही है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, इंदिरा बहन जी को जाके बताएंगे खुश हो जाएंगी, ही वॉज विजिबली वेरी हैप्पी। तो उसके बाद क्या होता है कि उनके जो पी ए साथ आए थे, उनके पी ए साथ थे, तो उनको ये भज्जी ने कहा कि मैंने आपसे बात करनी है। वो भी मैंने नहीं सुना कि उसने कब उनको कहा बात करनी है, तो ये पीछे रुक गए थे। तो उसके बाद मैंने ज्ञानी जी और मेरे से पूछा तो मैंने उनको बता दिया सारा। तो ज्ञानी जी चले गए। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि पीछे क्या ड्रामेबाजी ये हुई है। मेरे सामने खाली चाचा नेहरू जिंदाबाद हो। मैंने फिर अपना विज साहब को जो है बता दिया, जो हमारे सुपरिंट जेल थे, कि विजिट जो आराम पर मारे जो आराम पर मारे थे। मैंने उनको बताया कि विजिट बहुत अच्छी हो गई है। और तो अगले दिन अखबार में, वो भी इंडियन एक्सप्रेस में, ये आया, ज्ञानी जी जब गए उसमें जेल में तो उनको लिकर ऑफर की गई। तो मैं हैरान कि लिकर ऑफर की गई, मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं। तो मेरे को सुपरिंट कहने लगे कि लिकर ऑफर की थी। मैंने कहा नॉट दैट ज्ञानी जी, आई एम माइंडेड इट। मैंने कहा नहीं, कोई लिकर जो ऑफर नहीं की। कहते देखो इसमें आया हुआ एक्सप्रेस में आया हुआ। मैंने कहा मेरे से लिखवा लो, मेरे सामने कोई लिकर ऑफर नहीं की। तो उसके बाद तीन चार दिन के बाद
तो मैंने देखा कि मतलब अखबारों में तो खूब आता रहा, मतलब एक अखबार जब उठाती फिर दूसरी अखबार में उसको फॉलो करना शुरू कर देती हैं। उन दिनों में टीवी चैनल्स तो होते नहीं थे, थैंक गॉड, तो अखबारें उसकर इस स्टोरी को फॉलो कर रही थी। तो चार दिन के बाद जो है मुझे एक सील्ड लिफाफा मिला, तो मैंने कहा यार अभी तो मेरे को सील्ड लिफाफे क्या मिलने शुरू हो गए। मैंने खोला तो मेरा सस्पेंशन आर्डर था उसमें, से उड़ाते ही ओले पड़े। तो मैंने कहा सस्पेंशन आर्डर, तो फिर मुझे पता लगा कि उसमें एक मेरी सस्पेंशन थी, एक और एएस थे मिस्टर कुकरेजा, उनकी सस्पेंशन की थी क्योंकि भजी वगैरह उस वार्ड के थे तो उससे निकल के क्योंकि आए थे उनको सस्पेंड किया। साथ में इन्होंने एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ग्रेड टू होते थे उनको सस्पेंड किया था। तो विज साहब ने अपने आप को जो है बचा लिया था, और एक उनके खास प्रोटीज होते थे मिस्टर एस एन त्रिखा, उन दोनों को बचा लिया था। हम तीनों को उन्होंने सोचा कि सस्पेंड करके वो जैसे होता है ना हशअप करना, कोरम पूरा हो जाएगा। हाँ, कोरम पूरा हो गया। उनका ये था कि हमने देखो जो रिस्पॉन्सिबल थे उनको सस्पेंड कर दिया, पर बाद में फिर वो भी सस्पेंड हो गए थे। मेरी जो सस्पेंशन जो थी वो करीब करीब 25-27 दिन या महीने के आसपास थी। मेरी रिवोक कर दी थी उनको जब पता लगा कि इसका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, तो मेरी रिवोक हो गई। बाकी उनकी सस्पेंशन, बाकी की सस्पेंशन लंबी चली थी। सुनेत्रा, आपकी कोई तिहाड़ विजिट अटेंडेड अनअटेंडेड बाय जेल ऑफिशियल्स, मतलब आपके साथ हों या नहीं? वो तो हमेशा ही नहीं, तो वो जाने नहीं देते हैं। हाँ, एंड वो बहुत ही ज़्यादा सैनिटाइज होता है सौरभ, अगर आप भी बोलेंगे। आई थिंक वो जो जब वो ये दिसंबर 16th का जो डॉक्यूमेंट्री बना था उसके बाद जाना थोड़ा और मुश्किल हो गया है। जब हम लोग जाते थे तब भी लेकिन बहुत ही ज़्यादा सैनिटाइज था, वो लोग डिसाइड करते थे किस इलाके में ले जाना है, डिसाइड करते थे कि कौन कौन बात करेगा। Was it this, फीमेल जर्नलिस्ट के साथ ज़्यादा आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती कुछ? नहीं, सभी के साथ, सभी के साथ। हाँ, उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा सख्ती, मतलब तब क्या होता था एक ही जेल थी, तो उसमें उन दिनों में जब सुनेत्रा ने ज्वाइन किया था तब तो थोड़ा सा हम लिबरल हो गए थे। उससे पहले तो कोई हमें कोई एक किलोमीटर दूर भी कोई जर्नलिस्ट अगर नजर आ जाता था तो हम उसको भी भगा देते थे। मतलब कब ज्वाइन किया था आपने? 99. When did you start visiting तिहार? 99. तब तक हम काफी लिबरल हो गए थे। मैंने वहाँ पीआरओ का काम ले लिया था। 96 में मैं पीआरओ बना था वहाँ पे। और आप सब जर्नलिस्टों के फेवरेट हो गए थे, ओलंपिक दिखा दिखा। मेरी कोशिश ये होती थी कि जो उनका एक और फेवरेट स्टोरी था जो सबको बताते, हमारे यहाँ पे कोई आईएएस पास कर रहा है, कोई आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, मतलब दोस आर पॉजिटिव स्टोरीज जो उनको नहीं प्रॉब्लम होता है एंड लोग करते भी हैं। लेकिन माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ माय तिहाड़ विजिट, I can't remember the story, but I know that I've done lots of stories. Like one of the stories is like that one boy who, you know, he was accused of rape, but he had cleared his IIT entrance exam, and that was my first story for NDTV. I remember, and it was one of those, you know, soft headlines kind of thing. Then in one, you know, they're all eventful. Then one which I did for Star News, which was my Hindi journalism, I spent 10 months there, was one where, I can't remember what it was, but I met Sushil Sharma, the Tandoor murderer. Oh, yes. And I was really, really surprised because, you know, he was like really, he was dressed really well and he seemed happy. And so I think, you know, the big kind of contrast, which I think that you also feel when you read this book, yes, and when you enter the thing, is that we have all these impressions कि हमें लगता है कि जो you know जेल में कैदी होंगे वो मूवीज को देख के हमारा बड़ा इम्प्रेशन होता है ना, वो उन्होंने वो पहना होगा, सफेद पहना होगा, उनके सर पे वो सफेद वाली टोपी होगी, वो तो अगर मैं जब गई थी 2003 में वहां पे, तो सुशील शर्मा ने बहुत ही शाइनी टाइप एक शर्ट पहना हुआ था और जीन्स में थे और खुश लग रहे थे क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। और वो सुनील गुप्ता बताते हैं किस वजह से, क्योंकि वो अपना रूल्स फॉलो करते थे तो जेलर्स भी उनको बहुत पसंद करते थे, तो उनके लिए लाइफ ठीक था। उनको भी ऑफ कोर्स 25 साल जेल में स्पेंड करना, मतलब कोई यू नो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, इट्स लाइक अ ह्यूज एंड आई थिंक दैट यू नो इंटरव्यूइंग हिम गेव अस एन आइडिया ऑफ जस्ट हाउ डिफिकल्ट इट इज। लेकिन ये लोग, आई मीन अगर आप जाए जेल पे,
जो एनजीओस भी जाते हैं उनका बहुत ही लिमिटेड, और इस वजह से जेल की ये हालत है क्योंकि जिन जजेस को जाना चाहिए और वहाँ पे रेकी करना चाहते हैं वो भी नहीं करते हैं, ज्यादातर चले जाते हैं। नहीं नहीं, वैसे जो क्या है कि जेल की फंक्शनिंग ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने सुनील बत्रा जिसका नाम लिया है, सुनील बत्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वे बैक इन 1979 में एक वो रूलिंग की थी कि जितने डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं इनको जेल में विजिट करनी चाहिए, साथ में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को भी जो है जेल में विजिट करनी चाहिए। तो उसके बाद जो है ये हमारे जो जेल मैनुअल है उसमें ये इनकॉर्पोरेट हो गया था कि डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर, ये सभी जो है जेल के ऑफिशियल विजिटर होंगे। उसके अलावा एक नॉन ऑफिशियल विजिटर का भी होता है, उसमें जो नामी ग्रामी लोग जो होते हैं जो सोशल वर्क करना चाहते हैं तो उनको आप एज ए नॉन ऑफिशियल विजिटर जो है जेल में विजिट करवाते हैं। ये विजिट जेलर के कमरे में बैठ के चाय सुड़कने और बिस्किट चबाने तक सीमित होती नहीं? नहीं, बेसिकली क्या है कि जैसे उन्होंने कहा बहुत ही सैनिटाइज्ड। नहीं नहीं, जो जो जजेस की जो विजिट होती है, मैं आपको बताऊँ, एक जज थे मिस्टर ब्रजेश गर्ग, वो जब जेल में गए विजिट करने के लिए तो उन्होंने देखा कि सुरेश कलमाड़ी जो है वो सुप्रिटेंडेंट जेल के कमरे में बैठे हुए चाय और बिस्किट खा रहे थे। तो वो जब जेल में गए तो सुप्रिटेंडेंट ने उनको भी बैठने के लिए कहा, वो भी सुरेश का, उनको नहीं पता था सुरेश कलमाड़ी हैं, वो सोच रहे थे कोई ऑफिसर वगैरह होंगे बड़े जो सुप्रिटेंडेंट के कमरे में चाय पी रहे हैं। तो उन ब्रजेश गर्ग साहब ने जो है अपनी जो विजिटर थे उस जेल के, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि यहाँ पे जो सुरेश कलमाड़ी टाइप है लोग हैं या वो यादव बंधु जो है विकास यादव, विशाल यादव, उनके ऊपर नीतीश कटारा मर्डर केस, हाँ, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो ऐसे ही जेल के अंदर रोम करते रहते हैं, कोई उनके लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। और रिसेंटली सबसे रिसेंट जज का रिपोर्ट जो कि डैमेजिंग था वो था ये चंद्रा ब्रदर्स के लिए, यूनिटेक के जो मालिक हैं उनके, उसमें उन्होंने कहा कि कैसे उनके लिए बहुत सारे बिस्तरी की बॉटल है, कूलर है उनके लिए, और लेकिन सौरभ ये भी एक्चुअली सोचने वाली बात है कि उनके लग्जरीज भी रियली लग्जरीज नहीं है। आई मीन उन्होंने मतलब उनके मुताबिक ऑब्वियसली है, बाकी अगर हम जो कैदी हैं उनसे कंपेयर करें तो हाँ लग्जरीज है। कि उनका क्या था कि उनके कमरे में बाकी सारे जगह फैन के सामने वो जालियां लगी हुई है तो गर्मी के टाइम पे ज्यादा लोगों को इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन उनके वहां पे वो जाली कटी हुई थी, ये एक लग्जरी था उनके मुताबिक। और दूसरा लग्जरी था कि उनके घर उनके कमरे में वो भी था, बिस्तरी के बहुत सारे बॉटल्स भी थे। लेकिन अगर किसी ने रियली लग्जूरियस लाइफ तिहाड़ में देखा है तो दैट्स राइट। वैसे मैं बताऊं लग्जूरियस और मेरी मनु शर्मा बट मनु शर्मा आप बताइए, मनु शर्मा जो है देखें क्या होता है, जो हम लग्जूरियस लाइफ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जेल में दो तरह की एकोमोडेशन होती है, एक होती है सेल एकोमोडेशन, एक होती है बैरक एकोमोडेशन। जी बिल्कुल, एग्जांपल आपके सामने है, जैसे ये आपका जो रूम है इसको आप कह सकते हैं कि ये सेल है, बाहर जो बैठे हुए हैं इसको आप कह सकते हैं बैरक एकोमोडेशन है, बड़ी बड़ी बैरक है जिस सेल में जनरली एक आदमी को रहना होता है और ओवर क्राउडिंग की वजह से, हाँ तो ओवर क्राउडिंग की वजह से वहाँ पर तीन तीन चार चार भी रख लेते हैं, बैरक में आपका आम आदमी वो रहता है। तो जो सबसे बड़ा जो वीआईपी ट्रीटमेंट अगर आपने किसी को देनी होती है सबसे पहले आप वो आपसे मांगता है कि मेरे को और लोगों से अलग रखो, बैरक से, हाँ बैरक से अलग रखो। तो आपने अगर उसको सेल दे दी, सबसे बड़ा बैरक ऐसे बड़ा सा हॉल जिसमें लाइन से कतार से बिस्तर लगे हैं, झोले लगे हुए हैं, 100 लोग जो है, जैसे प्लेटफॉर्म होता है ना, बीन टू कपल ऑफ जेल्स, तो जैसे प्लेटफॉर्म होता है ना आप नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म देखें, बिल्कुल वैसे लोग नीचे जमीन पे लेटे हुए होते हैं। नहीं, एक मैंने कहानी सुनी थी सौरभ, और मैंने बहुत अपने रिसर्च में कोशिश की थी ऐसे कोई मिल जाए, कि एक वो दलित थे बिहार के और उनको जेल भेज दिया गया था, वो बच्चे थे, जुवेनाइल थे, और उनसे किसी अपर कास्ट के गाय या किसी को उनसे यू नो ही किल्ड देम, तो उनके खिलाफ केस हो गया था। तो उनके साथ इतना बुरा हाल था कि वो जेल में कई साल, मतलब मोर देन अ डेकेड,
वो बस बैठ के सोते थे क्योंकि इतनी जगह भी नहीं थी कि वो लेट के सोए. तो जब वो और वो बच्चे थे जब वो जेल गए थे और जब आए तो बूढ़े हो चुके थे और उनकी ये हालत हो गई थी, जेल ने ये हालत कर दी थी कि वो फिर वो लेट के सो नहीं पाते थे. सो इमेजिन इमेजिन दैट दीज आर द काइंड ऑफ लाइक रियली हार्ड ब्रेकिंग स्टोरीज जो भी हैं. बिल्कुल जैसे सेल है ना, सेल आपके लिए एक हुआ है. अगर खाना आपका बाहर से आता है वो सोने पे सोएगा, उसके बाद अगर आपकी मीटिंग जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं अगर मीटिंग ऐसे हो जाती है तो ये सबसे बड़ा वो सुख होता है. तो उसको कहते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट. खाना जो देते हैं बाल्टी में देते हैं, खाना बाल्टी में. तो ये जो पूरा अटेम्प्ट होता है और ये सुनील गुप्ता कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इंडिविजुअल जेल के जेलर्स इस टाइप का वो करते हैं जो बाल्टी में देते थे. तो लोगों को ये लगता था कि वो जो कहती है उनको ये दिखाना कि आप बस एक एक जानवर की तरह है. पूरा जो डीह्यूमनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किया जाता है जेल में. और इससे बचने के लिए कुछ जो दादा बन जाते हैं या फिर ये भी होता है कभी कभी. मैं एक मलयाली एक एनआरआई थे, उनका कोई पासपोर्ट का केस हो गया था तो यूएस वाले उनका वो जाते थे एक्सट्रेडिशन, तो वो इसलिए फंसे. तो वो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते थे और उनका अमेरिकन एक्सेंट. तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसे एक दादा कोई लोकल दादा का टाइप था तो उसने कोई पैसे नहीं दिए थे, बाकी लोगों से वो इसके लिए ब्राइब लेते थे और फिर उनको इन रिटर्न प्रोटेक्शन देते थे उनको बिकॉज उनका एक्सेंट अच्छा लगा और कहा कि अच्छा चलो हमें जेल में टाइम समय भी तो बिताना है, कोई एंटरटेनमेंट हो जाएगा तो उस लिए उसके लिए मतलब अच्छी तरह रहने की जगह खाने की जगह. लेकिन अगर ऐसा कोई दादा के टाइप आप ऐसा कोई अगर आपको गुरु ना मिले जेल में तो आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब. यहाँ तक कि उसने मुझे बताया जब उनके गुरु वो हट गए और उनकी जेलर से इतनी लड़ाई हो गई कि उनको बैरक में रख दिया. तो उन्होंने मुझे बताया कि सुनीत्रा मैं ना पागल हो गया था क्योंकि मैं वहां पे एक एक ड्रेन ड्रेन के सामने सोता था और मुझे दिन रात बस वो एक गंदी नाली का स्मेल के साथ. तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैंने कहा कि मैं अब ब्राइब दे दी. तो उन्होंने 50,000 उनको जेलर के बहुत लोग होते हैं जो कि बिचौलिए होते हैं वो आके बता देते हैं आपको कि कितने पैसे देने पड़ेंगे यहाँ से निकलने के लिए. और उनके पास कोर्ट ऑर्डर भी था सौरभ क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एक एक वाइट कॉलर क्रिमिनल मतलब क्राइम से आया हूँ, आप मुझे क्यों यहाँ पर रख रहे हैं. तो जज ने कहा था प्लीज़ इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए. जेलर ने उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर लिया और फाड़ दिया और उनको कहा अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो मुझे 50,000 रुपए चाहिए. तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा कुछ भी बेचो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ड्रेन और नाले के साथ सोऊंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा. तो किस तरीके से एक हेल्दी पर्सन को भी जेल एकदम पागल कर सकता है वो हमें सिस्टम में दिखता है. तो मुझे लगता है इस वजह से मुझे सुनील गुप्ता की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी कि लोगों को बताने के लिए कि इस वाले सिस्टम में जहाँ पे लोग कह रहे हैं मार डालो उनको, जेल में डाल दो उनको, फांसी लगा दो, ताकि लोगों को समझ आए कि क्या होता है जेल में, किस तरीके से. यहाँ पे आपने बिल्ला और रंगा की बात की, क्या हम सोच भी सकते हैं, क्या हम चाहेंगे कि हमारे दुश्मनों के साथ भी ये हो कि उनको फांसी लगाया जाए. और फांसी क्योंकि उनकी उनकी पल्स उनका पल्स तभी भी है तो कोई सिपाही उसमें जंप करके उनके पैर खींच रहा हो. आई मीन दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ एवरी ह्यूमन राइट दैट आई नो. दैट इज़ नॉट डिग्निटी. एंड वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑल मस्ट रिमेंबर इज़ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कानून ने कहा है, हमारे देश के कानून ने ये लिखा है कि सबको चाहे वो कितना भी बुरा हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो, मतलब डिग्निटी ऑफ लाइफ देना है. एंड फेयर ट्रायल. आर यू अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट? ऑफ कोर्स. लग रहा था आपकी बातों से. ऑल राइट, लेट्स गेट बैक टू द फ्लो ऑफ द बुक. चाल शोभराज अगेन. ये जो आपने किताब में कहीं कहीं सटल हिंट देके आप दोनों लोग आगे बढ़ गए हैं कि उसको सब सहूलियतें उपलब्ध थी. एंड व्हेन आई से सब सहूलियतें तो उसमें एक जगह जिक्र है कि ही यूज्ड टू मेक आउट एज वेल इन जेलर्स रूम इन द एब्सेंस ऑफ जेलर. मतलब ये तो हम फिल्मों में देखते हैं ऐसा. हाँ नहीं, मैंने आपको जैसे अभी एक बात तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैंने जैसे आपको बताया है कि जेलें जो जो जेलें चलती हैं अगर उसमें कैदी अगर सपोर्ट नहीं करते तो हम जेल चला ही नहीं सकते. ये मैंने शुरू में बात कही थी जी. उसी वजह से जो कैदी होते हैं, अब जैसे सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर लिया, वो मर्डरर है तो उसका ऑर्डर लिया,
डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का जो ऑर्डरली है वो भी मर्डरर है, वो वहाँ पे मर्डरर मैं आपको बताऊँ कि मोस्ट रिलायबल बंदे होते हैं जेल चलाने में, मोस्ट रिलायबल। अगर आपने कोई वो करना है लिखत पढ़त का काम करवाना है तो वो रेपिस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ। हम पहले जो मर्डरर होते थे इनको हम सिक्योरिटी ड्यूटी पे लगाते थे। सर अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हम मर्डरर को सिक्योरिटी ड्यूटी पे लगाते थे। पहले एक सिस्टम होता था नंबरदार सिस्टम जी। नंबरदार का मतलब ये होता था कि यू आर ए इवन दो यू आर ए कन्विक्ट बट यू हैव बीन गिवन दिस पब्लिक सर्वेंट स्टेटस। नंबरदार को आप ऑर्डिनरी प्रिजनर को तो आप पनिशमेंट दे सकते हो, नंबरदार को पनिशमेंट दे ही नहीं सकते थे क्योंकि उसका पब्लिक सर्वेंट वाला स्टेटस होता था। और रात के टाइम पे जहाँ हमारे सिपाही तो सो जाते थे, ये लोग जेल को गार्ड करते थे, चारों तरफ जेल के बाहर ये होते थे। और अभी भी हरियाणा में पंजाब में ये सिस्टम है, खाली दिल्ली ने इस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। ऑफिसर की भी अगर रक्षा करनी, मैंने जैसे आपको बताया कि ज़्यादातर ऑफिसर्स के जो ऑर्डरली होते हैं, आई विल आल्सो, अगर मैं भी वहाँ पर मैं अगर आई जी भी अगर जेल का हूँ ना, तो मैं भी प्रेफर करूँगा कि मर्डर मेरा जो है वो हो, ऑर्डरली हो। मैं उसके पीछे कारण है जी। कारण ये है कि जो ये अगर कोई भी प्रिजनर हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मैंने देखा है जो आपके पेड एम्प्लॉई होते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो जान बचा के भागेंगे, वो जान बचा के पहले, आप तो अभी भागे हो या नहीं भागे, वो पहले भाग जाएंगे। तो जो ये होगा, जो कैदी होगा वो फेथफुली आपके साथ रहेगा, पक्का कैदी है ये, पक्का कैदी। और वो जाके, वो जाके जो अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है उसको जाके एकदम सबसे पहले वो रिपेल करेगा, ठीक कर देगा। मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था कि एक बार मैंने 94 की बात है कि मैं जेल नंबर 4 में पोस्टेड था, उस टाइम DSP था मैं। तो उसमें मुझे किरण बेदी ने स्पेशली पिक करके उस जेल में भेजा, वो सबसे बड़ी जेल थी। तो मैं गया वहाँ पे, तो एक आपने शायद जस्सा का नाम सुना होगा, एक जसविंदर सिंह के लिहाज जस्सा होता था, दिल्ली का टेरर था, नंबर 1 वो बदमाश था, बड़े बड़े लोग उससे डरते थे। तो मैं जब गया, मुझे उस जेल का इंचार्ज बना दिया, तो मुझे पता लगा कि उस जेल के अंदर एक और पैरेलल जेल वो चला रहा है, जस्सा। तो मैं देख के हैरान हुआ, आपको हैरानी होगी ये सुन के कि जो जस्से की जो सेल थी उसके साथ एक सेल थी जिसमें कि कबूतर उसने पाले हुए थे। ओके। कबूतरों को वो दाना डालता था, और 3-4 सेल खाली रखी हुई थी उसमें। जो जेलर होता था उस जेल का उस टाइम पे, जिसको मैंने रिप्लेस किया था, वो क्या करते थे कि जो पैसे वाला आदमी आता था उसको जस्सा के बगल में भेज देते थे। आप तो बिल्कुल, आप तो जस्सा के बगल में भेज देते थे उसको। हाँ। और जस्सा फिर पैसे उससे एक्सटॉर्ट करके अपने आप जेलर को उसकी बूटी जो है पहुंच जाती थी। ये था। तो मैंने जाके शुरू से, क्योंकि मेरा जो नौकरी करने का एम ही कुछ अलग था, मैं जो जेल की नौकरी में आया था, तो मैंने कहा कि जैसे मैंने देखा ये हाल है जेल का, तो मैंने एक बड़ा एक सिंपल सा एक ऑर्डर निकाला, सर्कुलर निकाला कि हर एक प्रिजनर को आप उसके नेम अल्फाबेट के हिसाब से रखेंगे। पूरा आपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर छिन्न भिन्न कर दिया। पूरा एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो है उसको मैंने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, मैंने उसमें कर दिया कि जैसे किसी का, आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जेल में ना प्रिजनर्स को आप उसके नाम से तो कम जानते हो, उसके बाप के नाम से ज़्यादा जानते हो। अब जैसे मंजीत सिंह है, एम अल्फाबेट जैसे एक बैरक है उसमें एम अल्फाबेट के लोग रखे होंगे, तो अब एक मंजीत सिंह को अगर वाय लगाओगे तो 4-5-10 मंजीत होंगे उसमें। सुनील नाम है तो 100 सुनील होंगे, क्योंकि बड़ा कॉमन नाम है। तो वो मंजीत को अगर नाम बुलाना है, वो कहेंगे वो सुरेंद्र सिंह के इधर आ, मतलब मंजीत कहेंगे तो 5 के 5 भाग के आ जाएंगे वहाँ पे। तो उनके बाप के नाम से जो है बुलाते हैं। तो ये जेल का एक अभी भी प्रथा है ये कि हर एक प्रिजनर को उसके नाम से ना बुला के, कई जगह नंबर होते हैं ये हमारे यहाँ, क्योंकि नंबर सिस्टम नहीं था, प्रिजनर का नंबर सिस्टम नहीं था, तो हमारे यहाँ पे उनके बाप के नाम से बुलाते थे। तो उस टाइम पे जो है, जब मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं, इनको ना प्रिजनर्स को आप इनके नेम अल्फाबेट के हिसाब से रखो। तो जब मैंने किया तो जस्से का जहाँ जे अल्फाबेट आता था वो बैरिक थी, तो वो कहते मैं तो बिल्कुल, आपने, मैं जब गया अंदर उनके वहाँ, मुझे लोगों ने, मेरे ऑर्डरली ने आके बताया कि जस्सा कह रहा है कि मैं तो बंद नहीं हूँ रात को एक लॉकअप होता है प्रिजनर्स को, जब अपने उसमें डॉर्मेट्री में बंद करते हैं
तो कहते वो कुछ 5:30-6 बजे का टाइम होगा, तो उसने मुझे बताया कि वो कह रहा है कि मैं तो रात को बंद नहीं होगा, देखता हूँ आप क्या करते हो। तो मैं गया, मैं जब गया वहाँ पे तो यूँ जस्सा खड़ा, उसके साथ 8-10 और उसके गैंगस्टर खड़े हुए यूँ सिगरेट पी रहे। उस टाइम पे सिगरेट अलाउ होती थी जेल में, ये तो जनरली क्या होता है कि जब अभी ऑन पेपर अलाउ नहीं है। हाँ, अब कोई पीते भी नहीं, अगर पीते भी हैं तो वो स्पूरियस वो पीते हैं, या अगर बीड़ी का बंडल अगर जेल में जाता है तो जो 10 रुपये का बंडल है 500 रुपये का बिकता है। अच्छा, तो वो तो जब देखा तो सिगरेट पी रहे थे, तो मैंने कहा हाँ जैसे क्या बात है। तो मेरी ना उस टाइम पे बड़ी टफ एक जेल ऑफिसर के रूप में ना एक पहचान बन चुकी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी जेल उसमें वो किया, तो बहुत टफ ऑफिसर मेरे को मानते थे, क्योंकि जब आपने किसी से लेना देना नहीं तो आपको जो है वो पता चल जाता है लोगों के पैसे से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मुझे कहता है, मैं जैसे ही गया तो जैसा कहता है कि आप अलार्म करवा दो, अलार्म मतलब कि आप अलार्म करवा के अपने उनको अलार्म, हमारा जेल मैनुअल कहता है कि जब आप अलार्म करवाते हैं तो उसमें आप आर्म्स यूज कर सकते हैं, डंडे यूज कर सकते हैं, ढंग से ठुकाई पिटाई बिल्कुल, ब्लैंकेट जूता चलेगा। हाँ हाँ, वो होता है, कहता है आप अलार्म करवा दो, हम तो बंद नहीं होंगे, आप हमें एक आम प्रिजनर की तरह जो ट्रीट करना चाहते हैं। मैंने कहा तेरे बंद तो होना पड़ेगा। तो आप देखें, जब मैं बातचीत कर रहा था, मेरे साथ 3 सिपाही थे उस टाइम पे, जब मैंने देखा बड़े क्रूशियल मोड़ के पर हम खड़े हैं, पीछे मैंने मुड़ के देखा कोई था ही नहीं, तीनों सिपाही गायब, सब गायब, इधर उधर के बहाना करके सब इधर हो गए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा सुनील गुप्ता जी आपको जो है टैक्टफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा, 1-to-1 रिलेशनशिप बना के करना पड़ेगा। वो फिर मैंने 1-to-1 रिलेशनशिप उसे एस्टेब्लिश करके फिर उसको ट्रांसफ़र किए, इनफैक्ट उसको जेल से ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इस तरीके का होता है। तो ये जो जो बात मैंने शुरू की थी कि ये जो कन्विक्ट होते हैं, जो मर्डर कन्विक्ट होते हैं, ये बड़े फेथफुल होते हैं, इन्हीं की वजह से जेल चलती है। शाम को जो काउंटिंग होती है, यही लोग काउंटिंग करते हैं, इनको पता होता है किस ताले में कौन सी चाबी लगेगी। हमारे अगर सिपाही को आप कह दो किसी को कि बिना कैदियों की मदद के, तो सब कैदियों को बंद करते, क्योंकि 1000 के करीब बैरिक्स होंगी हमारी इस टाइम, तो नहीं बंद कर सकते। कातिल ही सबसे काम के हैं जेल में, कातिल ही सबसे काम के हैं। इनको इनको सिक्योरिटी ड्यूटी में लगाते थे। तो चाल सोभराज जो है उन दिनों में, तो ये चाल सोभराज जो है ये उस दिनों पेटिशन, ये कौन से केस में था, बनारस वाले केस में या? हाँ, इसके ऊपर थे 2 मर्डर के केस थे, एक तो इसके ऊपर था गोवा का। हाँ, इसने गोवा में किसी फॉरेन, वो अरेस्ट हुआ था वो जो विक्रम होटल में पॉइजनिंग का अटेम्प्ट था बनारस पे। हाँ, नहीं विक्रम होटल में, विक्रम होटल में दिल्ली के विक्रम होटल। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग आए थे, उसका होल आइडिया था कि उनको रॉब करे, लेकिन वो काफी बीमार पड़ गए थे और लोगों ने पुलिस को बुलाया था, और उस वजह से वो रहे। एक होटल की ज्वेलरी शॉप में भी पहले अटेम्प्ट किया था अशोका होटल के, अशोका होटल में इसने क्या किया था कि ज्वेलरी शॉप के ऊपर वाला कमरा जो है इसने रेंट पे ले लिया, ऊपर वाला कमरा रेंट पे ले लिया इसने, फिर वो छत ऊपर से जो है तोड़ के ज्वेलरी शॉप को लूट लिया था। पकड़ा कैसे गया बाद में पता लगा कि जब वो पकड़ा तो एकदम ही जाएगा। हाँ, क्योंकि जब वो छत से नीचे आके किसी ने ज्वेलरी शॉप को लूटा हुआ था, तो छत के ऊपर कौन रहता था? चार रियल आइडेंटिटी से। हाँ, चार रियल आइडेंटिटी से रहता था ये, इसको बड़ा मजा आता है, ये अपनी आइडेंटिटी कभी फेक नहीं करता, ताकि इसका मिथ बड़ा हो। हाँ, ये मतलब अपने आप को बनना चाहता है कि जैसे क्रिमिनल्स का लॉर्ड होता है ना, ये अपने आप को क्रिमिनल्स का लॉर्ड, हाँ इसको बड़ा। अब जैसे नेपाल की जेल में है जी, अरे तेरे को क्या जरूरत थी नेपाल का, कोई और होता है सब क्रिमिनल होता है जिसको कि जेल में रहने का शौक नहीं है, उसको नेपाल में जाने का क्या वो था, नेपाल में गया वहाँ कैद हो गया, वहाँ पे वो कैद काट रहा है। तो इस तरीके का था। तो जेल में जो है ये इनफैक्ट नेटफ्लिक्स का शो बन रहा है, उसने मुझे फोन भी किया था क्योंकि मैं नेपाल गई थी, तो मैंने सोचा इस किताब में कुछ उनकी तरफ से भी हो जाए तो इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि सुनील गुप्ता उनके बारे में इतना बोल रहे हैं। तो मैंने उनके वकील को फोन किया और मेरा नंबर छोड़ दिया, मैं गई तब मुलाकात नहीं हुई, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जेल से फोन किया, तब वो बता रहे थे हाँ मैं इंडिया आ रहा हूँ, मेरा नेटफ्लिक्स का शो होने वाला है। व्हाट अबाउट दीज एलिगेशंस मिस्टर गुप्ता कि चार्ल्स का जो जेल ब्रेक हुआ वो बहुत ही वेल प्लान्ड था और इसलिए था ताकि चार्ल्स को इंडिया से डिपोर्ट ना किया जा सके। हाँ, ये और तो है। खुद ही उसने टिप देके अपने आप को पकड़वाया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात। यू बिलीव इन दिस थ्योरी? हाँ, आई बिलीव इन दिस थ्योरी। और मेरा जो उससे इंटरेक्शन होता था, बेसिकली उसने मुझे एक और कहानी बताई थी, कहते कि उसको एक बार स्पेन से उसको बाई शिप लेके जा रहे थे
प्रोडक्शन के लिए बिफोर द कोर्ट बाई शिप ले जा रहे थे और इसको चेन किया हुआ था पूरी शिप के साथ, शिप के नीचे जमीन पे इसको बांधा हुआ था। तो इसने मुझे बताई, फिर इसने लिखी है वो वाली किताब लाइफ एंड क्राइम ऑफ चार्ल्स शोभराज, उसमें इस चीज़ को लिखा भी हुआ है। तो इसने क्या किया कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह बैठे थे पूरी तरीके से शिप में, मतलब अकेला अकेला यही एक प्राणी था जो उसमें कैदी था। हाँ, तो इसने क्या किया, अपनी जीप को जो है ना जोर से अंदर काट दिया। जब जीप को काटा तो खून काफ़ी सारा इसने इकट्ठा कर लिया अंदर वो करके, और एकदम इसने वोमिटिंग की खून की, और ऐसे किया कि जैसे बस बेहोश हो गया। तो जितने वो सिक्योरिटी वाले थे वो एकदम घबरा गए कि तो मरने वाला है, हो रहा है ये। उन्होंने एकदम उसको खोला, खोल के जैसे ही हॉस्पिटल लेके गए वहाँ से रफू चक्कर हो गया। हॉस्पिटल से कई बार भागा, हॉस्पिटल से कई बार भागा है, से भी भागा। तो इसका ये करेक्टर था। और पर ये अगर जैसे मैं आपको इसमें एक ह्यूमन आपको टच बताऊँ कि जब मुझे सस्पेंड किया तो ये मेरे पास आया, वो ज्ञानी जी की विजिट के बाद। हाँ हाँ, इसने मेरे पास आया, कहने लगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा तू मेरे से दूर रह। तो ये इसका एक मतलब ये हाउ डिड ही मैनेज, डेविड हॉल ने मदद की, जो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि सबको मिठाई खिलाई, ये किया वो किया, नहीं इसका जो वाज इट दैट इजी एस्केप वाली बात कर रहे हैं। जी जी, देखिए बेसिकली क्या एस्केप नहीं, वो एक 16 मार्च 1986 हाँ 16 मार्च 1986 हमेशा ही तिहाड़ के लिए ना कुछ बुरी खबर लेके आती है। 16 मार्च 1976 को कोई 13 जो लाइफ कन्विक्ट थे हमारे टनल लगा के भागे थे जेल से। 86 में ये हुआ, फिर 16 मार्च 1987 में एक बाबा ने जो है 16 मार्च का दिन होता था जनरली होली के आसपास के जो दिन होते हैं, तो उसमें तिहाड़ से कोई ना कोई बुरी खबर जरूर आती है। Sounds like a movie plot. तो 16 मार्च 1986 को जब भागा, बेसिकली क्या है कि इसका ये जो भागा है ये कोई इसको भागना ये नहीं कहते कि जेल ब्रेक, मेरे हिसाब से चीटिंग थी, चीटिंग विद द सिस्टम था ये। चार्ल्स वाला था उसने क्या है कि आप अब कोई भी प्रिजनर जेल में आता है तो हम लोग उसको लाइक ए फैमिली ट्रीट करते हैं, हम ये नहीं देखते कि इसने बाहर क्या क्या इसने वो किया हुआ है, तो वी ट्रीट हिम लाइक ए फैमिली। और एक आप देखें, अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, भी आधा घंटा मैं आपके साथ बैठा हूँ या एक घंटा मैं आपके साथ बैठा हूँ, एक बॉन्डेज हमारी डेवलप हो रही है, एक रेपो काम बॉन्डेज हमारी डेवलप हो रही है। तो इंटीमेसी तो आपकी हर एक के साथ डेवलप हो, जो आपके साथ कई सालों से आपके साथ है तो आपको एक एक बॉन्डेज एक विश्वास उसके ऊपर रोज मिल रहे हैं, दुआ सलाम, दुआ सलाम हो रही है और वो आपका काम कर रहा है, आपके ऑफिस में आके टाइपिंग कर रहा है, तो आप उसके ऊपर विश्वास करोगे। तो इसने जो है ये इस कहा कि मैं अपना बर्थडे मना रहा हूँ, बर्थडे मना रहा हूँ, तो उसमें इसके ने संडे वाले दिन चुना क्योंकि संडे वाले दिन हमारे बहुत स्केलेटन स्टाफ होता है, वहाँ पर बहुत कम स्टाफ होता है। तो उस दिन डेविड हॉल आया, उसको कुछ मिठाई वगैरह के कुछ वो लारपोस की गोलियां थी, सीडेटिव्स उसकी वो थी, वो दे के गया। इसने वहाँ पे कोई बर्फ़ी वगैरह बनवाई, बर्फ़ी में गोलियां, हाँ वहाँ गोलियां मिला दी। उसके बाद जो है ये इसने जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे थे, सेंट्री पोजीशन पे थे या ड्यूटी अफसर थे या ड्योड़ी में थे, मैंने आपको बताया जो एक्टेंस होती है ड्योड़ी से होती है, उनको जो है इसने सबको बर्फी दे रहा, वो साथ में एक 50 का नया नोट। उन दिनों में जो है करेंसी तो उन दिनों में भी अंदर अलाउड नहीं थी, पर जो ऐसे लोग थे किसी तरीके से मतलब करेंसी एक तरह की स्मगल कर लेते थे, जैसे आजकल मोबाइल पहुंच जाते हैं जी। मैंने आपको बताया बीड़ी का बंडल, बीड़ी पहुंच जाती है, टोबैको पहुंच जाता है, स्मैक पहुंच जाती है, तो उन दिनों में मतलब ये करेंसी नोट भी स्मगल होते थे। तो 10-12 लोग जो बिल्कुल उसके जिसको उसने अपनी उस पर रखा हुआ था कि इनको अगर मैं कुछ खिला दूंगा बेहोश हो जाएंगे तो मैं निकल सकता हूँ, उसने सभी को 50 रुपये का नया नोट और साथ में बर्फी उनको देता गया। वो भी ये कहते गए चार्ल्स शोभराज तेरे जन्मदिन मुबारक वो करते हुए। वो जैसे ही इसने इतनी ड्रग्स उसमें इतनी मात्रा में मिलाई थी कि जैसे कोई लेता गया बेहोश होता गया, मतलब विद इन फाइव मिनट में इसने सारा सर्कुलेट कर दी 10-12 जो पॉइंट पे वो थे। तो उसके बाद वो सब गिरते गए, तो इसने अपना संडे वाले दिन कोई मूवमेंट होती नहीं है, संडे का दिन था उस दिन, तो ये अपना आराम से इसने ताला खोला, वो ताला खोल के ये अपना आराम से इसके साथ कोई 13 लोग और थे, तो इन्होंने एस्केप कर दिया।
तो बेसिकली मैं मेरा ये मानना है कि वो एस्केप नहीं था, दैट वाज ए चीटिंग विद द सिस्टम. उसके बाद कोई करेक्टिव मेजर्स? उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये भाग गया तो मुझे याद आता है कि उन दिनों में मैं घर में दूरदर्शन पे फिल्म आती थी संडे को. जी जी, आप छुट्टी की छुट्टी पे? छुट्टी वाले, तो मैं छुट्टी पे उस दिन था, घर पे था, तो फिल्म देख रहे थे. तो बिल्कुल उसका क्लाइमेक्स ऐसा हुआ कि एकदम उन्होंने फिल्म रोक दी और उसमें मेन ब्रेकिंग न्यूज जैसे आजकल आती है ना, फिल्म दूरदर्शन पे अनाउंसमेंट, दूरदर्शन पे अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कैसे ऐसे चाल सोबराज जो है जेल से तिहाड़ जेल से कैदी भाग गए. मैंने कहा अरे हमारी जेल से भाग गया, मैं फटाफट मैं भागा हूँ फिल्म उठा रहा मैं भागता हुआ गया वहाँ. तो वहाँ पे जो सीन देखा बड़ा भयानक था कि सब जो राइफल संतरी है वो राइफल उसकी गिरी पड़ी. आप जब पहुंचे तब वो सब ऐसे बेहोश पड़े थे? बेहोश पड़े थे. तो क्योंकि हमारे यहाँ ना ये एक अच्छी बात है कि जो कभी भी क्राइम सीन को कोई जो है वो टच नहीं करता. उनको पता होता है कि क्राइम सीन को अगर हम कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हम ही रपेंगे. हाँ, हम ही रपेंगे. तो सब ऐसे लेटे हुए थे, जो ड्यूटी अफसर था हमारा वो अपनी कुर्सी पे ऐसे लेटा हुआ. तो जब सबकी सर्च ली, सबकी जेब में 50 का नोट मिला. 50 का नोट जरूर मिला, मतलब और भी मिले. तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जब ये जब इतना शोर शराबा मच गया, एलजी साहब भी उसी टाइम पे जो वहाँ जेल की विजिट करने के लिए आ गए, उन्होंने भी सारा सीन, कपूर साहब, कपूर साहब, उन्होंने भी सारा देखा. तो जो हमारे जेल में जो काम करने वाले थे उनको सेवादार कहते हैं. दो सेवादार थे, उन्होंने भी, क्योंकि सेवादार नेचुरली संडे के दिन जो है वो दो ही होते हैं ड्यूटी में जो सफाई वगैरह करते हैं, उन्होंने भी खा लिया, वो बर्फी वगैरह खा ली. तो वो भी जब देखा कि लोग भाग रहे हैं तो वो भी नशे में बाहर भाग गए. नशा उतरा तो वापस आ गए. जब उन्होंने नशा उतरा, उनको लगा रहे तुमने कितना बड़ा क्राइम कर दिया. देवर पैटी क्रिमिनल, चोरी वगैरह केस. हाँ. उनको लगा कि उनका नाम बार बार टीवी पे फ्लैश हो रहा कि ये लोग तो गोली मार देगी थी पुलिस. तो ये फिर शाम को ही वापस आ गए थे, जिसको पुलिस ने बड़ा बड़ा चढ़ा के वो किया कि हमने दो पकड़ लिए, हमने दो पकड़ लिए, और वो असल में खुद ही चल के आ गए. हमने आपको चल के आए थे, हमारे पास आए थे. हमने उनको कहा कि प्रोसेस ये है कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, वहां से जो आप जेल पे आओगे. तो पुलिस में उसमें, अच्छा अगर जेल से कोई कैदी भागता है तो वो खुद जेल वापस नहीं आ सकता? नहीं, खुद वापस नहीं आ सकता उसको, क्योंकि अगर आपने एक बार क्राइम उसके ऊपर आपने भागने का जो है उसके ऊपर वो दर्ज करवा दिया, फिर वो आपके पास कोर्ट के थ्रू ही वापस आ सकता है, सीधा नहीं आ सकता. अगली स्टोरी, समर ऑफ 83 एंड JNU. जी, अभिजीत बनर्जी भी थे उनमें से. मैं ये डेफिनेटली तो मैं नहीं बता सकता कि थे या नहीं थे. हाँ, बिकॉज जब हमने इस कहानी लिखी थी हमें बाद में पता था कि हमने पूरा वो लिखा था कि कैसे JNU के स्टूडेंट्स किस तरीके से भागे थे और क्या किया था, लेकिन ये फिर हमें बाद में जब उनको नोबेल प्राइज मिला अभी ये, हाँ, लोगों ने अभी लिखा था कि अभिजीत बनर्जी वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. या बट ही वाज वन ऑफ दोस हु रन अवे, ही वाज द वन ऑफ दोस हु डिलिजेंटली स्पेंड टाइम फॉर बीइंग अ प्रोटेस्टर. अच्छा, सो देयर वर फ्यू हु स्टेड, देयर वर सम हु स्टेड. अच्छा, बिफोर आई आस्क यू मोर अबाउट दैट JNU स्टूडेंट जेल ब्रेक, एकदम सेंसेशनल सी हेडलाइन वाली चीज, व्हाट्स योर इंप्रेशन ऑफ चार्ल्स शोभराज? हैव यू मेट हिम? No, I just spoke to him once. Spoke to him once. And of course, he's one of those reasons why people become crime reporters, right? He's one of those stories. He's deadly. But as Sunil Gupta says, he's charming. He's a fascinating story. And we all get sucked in. Generations of reporters have got sucked into telling the Charles Sobhraj story. And I think the fact that Sunil Gupta's story just reiterates it, that how charming he really is. I think what Black Warrant does is for the first time gives the jailer point of view. Before, we've all heard from somebody who was a woman who was infatuated with him or from outside or whatever. Now we know how he was manipulating the entire jail system. कभी आपने पूछा नहीं उससे कि यार तू ये कत्ल क्यों कर देता था औरतों के? बेसिकली ना उसका ना उसका बात हमारी होती है, बात जैसे मैं बात हम किसी से भी बात करते हैं तो इसका उन दिनों में ना पीवी सिनारी हमारे आईजी थे. जब इसने एस्केप किया तो पीवी सिनारी गोवा के कमिश्नर रह चुके थे, वन ऑफ फ्यू गुड ऑफिसर्स तिहाड़ है. बिल्कुल. तो उनका क्या था कि उन्होंने मुझे बताया कि
इसका ये इसका मोडस ऑपरेंडी होता था, ये करता था कि वहाँ पे जो फॉरेन फॉरेन जो लेडी होती थी उनसे दोस्ती करता था, दोस्ती करके फिर उनको जैसे डिनर पे बैठे हैं तो उनको सीडेटिव्स खिला देता था। मतलब सीडेटिव्स खिलाना इसकी एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा था, ये नशीली गोलियाँ तो उनको खिला देता था जिससे कि वो बेहोश हो जाती थी। फिर ये क्या करता था, रेप करके मर्डर करके उनका जो है वो बिलोंगिंग्स लेके भाग जाता था। सीडेटिव, रेप, मर्डर एंड लूट, लूट, दैट वाज द पैटर्न। हाँ, तो ये कहते हैं उन दिनों में जो सिनारी साहब बताते थे कि ऐसा बहुत हो रहा था वहाँ पे। फिर उन्होंने एक केस में इसको पकड़ा था और वो केस इसके ऊपर चल रहा था। बाद में इसका उस केस में शायद इसने कुछ देर वहाँ पे गोवा की उसमें जेल में इसने काटा था। उसके बाद क्योंकि दिल्ली के भी कई सारे केसेस के ऊपर हो गए थे, फिर इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो उस केस में अल्टीमेटली शायद इसका जो है एक्विटल हो गया था। हाँ? गोवा वाले केस में इसका, दैट्स राइट, हाँ, इसका अल्टीमेटली एक्विटल। इसका चार्ल्स सोब्रज की फैसिनेशन ये तो था ही कि बड़ा स्मार्टली वो था। इसका क्या था कि जब कोर्ट में जाता था, हम देखते थे जो सीनियर एडवोकेट हैं वो इसके पीछे किताबें लेके खड़े होते थे, इसको हेल्प करते थे। सीनियर एडवोकेट हेल्प करते थे इसको हेल्प करते थे और ये केस को आर्गू करता था। ये इसकी पर्सनैलिटी थी। और इसने जो भी इसके ऊपर चार्जेस लगे, मास्टर जो भी चार्जेस इसके ऊपर लगे उसमें इसने एक्विटल खुद लड़के किया, ना कि किसी वकील के उससे। तो जेएनयू स्टूडेंट्स ने कैसे जेल ब्रेक किया गुप्ता जी? हाँ, जेएनयू उन दिनों में क्या था कि गर्मी के दिन नाम जेएनयू तो ये जेएनयू में कि जो उन दिनों में ये बी क्लास प्रिजनर थे जी। जो बी क्लास प्रिजनर होता है वो फेस टू फेस मुलाकात कर सकते हैं, जबकि सी क्लास प्रिजनर जो होते हैं उनके बीच में ग्रिल्स होती हैं, आयरन ग्रिल्स होती हैं। एक तरफ उनके रिलेशन खड़े होते हैं, एक तरफ वो खड़े होते हैं। क्राइम क्या था जेएनयू स्टूडेंट्स? इनका था कि आप आपने दिखा इसमें जेएनयू का इनका क्राइम ये था कि इन्होंने बेसिकली प्रोटेस्ट हुआ था, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जगदीश कुमार के साथ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एजिटेशन, उस समय भी बहुत ज्यादा एजिटेशन, 1983 वाला एजिटेशन जो जेएनयू में था, वाइस चांसलर, हाँ, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वंस, एंड वो ये स्टूडेंट राइट्स, राइट टू प्रोटेस्ट, ये हाँ काफी दिनों के लिए बंद हो गया था। तो उस समय भी उसी, और बहुत पहली बार पुलिस कैंपस में आई थी और ये इस वजह से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था कि पुलिस आई है कैंपस में। तो बहुत ही रेलिवेंट है आजकल जो हो रहा है और हम जो जामिया में देख रहे हैं, जेएनयू में देख रहे हैं। और इस वजह से पूरा मास उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके उन्होंने जेल भर्ती करवा दी थी। उसके बाद हाँ, जो जैसे मुलाकात होती बी क्लास थी उनकी, तो बी क्लास में और सब अच्छे फैमिली के थे, सब अच्छी फैमिली के थे, तो उन बहुत सारों के पेरेंट्स और ये, और इनफैक्ट बहुत, तो वो लोग वहाँ पे गए और क्योंकि गर्मी का आई थिंक मई का टाइम था हाँ। और वो गए वहाँ पे तो उनके सारे पेरेंट्स उनसे मिलने आए, तो जो भी मिलने आता है वहाँ पे तो तिहार में वो एक ठप्पा लगा देते हैं। तो अपेरेंटली किसी का ये ब्राइट आइडिया आया, वो अंदर गए कि अच्छा ये है तो हम भी लगा देते हैं, तो सबके वहाँ पे ठप्पा लग गया और कई सारे स्टूडेंट्स इमीडिएटली, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, ये लड़के भी लड़कियाँ भी आ गए। उसको मज़ेदार बात और बताता हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी एस्केप होता है प्रिजनर का, हमारा मैनुअल कहता है कि हम लोग जो है पहले खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे उनको, छिपे तो नहीं है, हाँ, छिपे तो नहीं, बिल्कुल थोड़ा टाइम वो हमें देता है, एक टाइम देता है, ब्रीदिंग टाइम देता है जेल प्रशासन को, पहले आप ढूंढो, अगर आप ढूंढ सकते हो ठीक हो, नहीं तो फिर आप पुलिस केस करवा दो। और जब पुलिस केस कोई करवाना नहीं चाहता, वो इसलिए नहीं करवाना चाहता, बदनामी होगी कि आपकी जेल से, जेलर्स में भी आपस में कंटेस्ट होता है आपस में, अगर किसी की जेल से कोई भाग जाता है कहता है तो बेकार है, हमारी जेल से आज तक कोई नहीं भागा, तो आपस में बड़ा एक पर्सनैलिटी ऐसे क्लैश होता रहता है। तो हमारे हमेशा जब भी कोई भागता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले हम उनको ढूंढ के लाएं, अगर पुलिस केस ना करवाएं। तो हमारे जेल वाला स्टाफ जो है गए इनको पकड़ने के लिए, जब वो जेएनयू में गए तो वहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ था हेमा मालिनी, किसी का नाम लिखा हुआ था माला सिन्हा, किसी का नाम लिखा था शर्मिला टैगोर, मीना कुमारी, सबके नाम ऐसे लिखे हुए थे।
अब वो जहाँ पे वो नाम देख के शक नहीं हुआ किसी को ये क्या नाम लिखवा रहे हैं? जेल वालों को तब पता लगे बेसिकली क्या होता है जब नाम लिखवा है इतना मास वो था पुलिस क्या क्या पुलिस का ना बड़ा सिंपल सा एक वो होता है कि उन दिनों में जो प्रिजनर ने अपना नाम बता दिया वो अपना फेथफुली बिल्कुल क्रॉस एग्जामिन नहीं किया बस उठाया और डाल दिया क्रॉस एग्जामिन कभी नहीं होता था इवन अब भी शायद ना होता हो अब भी जब कोर्ट के सामने पेश हो जाता है उसके बाद क्रॉस एग्जामिन होता है तो जो नाम उसने लिखवा दिया तो वो अपना लिखते गए जो उसने बाप का नाम लिखवाया फादर का नाम जो लिखवाया वो उन्होंने लिख दिया फादर का नाम भी गलत लिखवाया अपना नाम भी गलत लिखवाया तो ढूंढ रहे रात को तो कोई मिलने का और माला से लगा रखी तो वो कोई भी मिला नहीं उसके बाद फिर हमने जो है ये पुलिस केस करवाया तो मुझे याद है कि जितने नेशनल न्यूज़पेपर हैं फ्रंट पेज की खबर ये थी कि इतना बड़ा एस्केप कभी जेलों से हुआ नहीं तो जेएनयू स्टूडेंट्स का आप लोग मुझे एलपी निर्मल साहब की कहानी सुनाइए क्योंकि ये बड़ी फिल्मी कहानी है कि जेलर हैं कैदियों से मसाज कर रहे हैं और फिर कैदी कैसे भाग जाते हैं मसाज करते करते जनरली देखो ये तो एलपी निर्मल की किस्मत खराब थी कि आपने मसाज करवाई कैदियों से नहीं वैसे मैंने देखे जनरली जेलर लोग जो करवाते हैं मतलब उनके अच्छा कैदी लोग भी जो है आप आपने शोले पिक्चर देखी होगी जी जी शोले में आपने देखा था ना कि वो जेलर की जो है वो कटिंग कर रहे हैं हरी राम नाई वो जाके उनको बताते हैं कि वो भागने का प्लान बना रहे हैं तो हमारे यहाँ ये बड़ा पॉपुलर काम है जो नाई का काम होता है जेल के अंदर बहुत पॉपुलर है हर कोई प्रिजनर जो होता है उसको होता है कि नाई का काम उसको बार्बर का काम मिले जी इसके पीछे दो तीन कारण है एक कारण तो यह है कि जब वो अफसर की जब मसाज करेगा उसके बाल काटेगा तो उससे कई सारी फेवर वो ले लेते हैं जेल साहब को खुश कर दिया तो हाँ जेल के अंदर जो है कई चीज़ें उनको मिल जाती हैं दूसरा उनको क्या होता है कि उन्होंने अपने किसी दुश्मन की मुखबरी करनी होती है वो भी कर देते हैं दुश्मन की और तीसरा इनका ये होता है कि जेल में इनकी इज्जत बढ़ जाती है कि जेलर साहब की जो है ये करीबी हैं तो ये इनका हो जाए उससे पैसे भी एक्स्ट्रॉट कई बार कर लेते हैं तो जनरली ये मतलब तो निर्मल साहब का ये था कि ये अपने कमरे में बैठे थे तो इन्होंने उसको बुलाया कटिंग करने के लिए मसाज करने के लिए उसने मसाज की जब मसाज की तो उनकी उनको नींद आ गई सो गए कुर्सी पे मतलब वो वर्दी उतार के करवा रहे थे मसाज हाँ वर्दी उतार के वो कर तो इसने जब देखा कि वर्दी टांग रही है तो ये हमारे बड़े नोविस आइडिया होते हैं कि कैसे एस्केप करना है आप जितने एस्केप देखेंगे जेल से आपको ऐसे एस्केप आपको या तो बुक्स में शायद मिल जाए पर बुक्स में भी नहीं लेंगे अगर एस्केप के ऊपर मैं किताब लिखूं एस्केप फ्रॉम तिहार तो ऐसे ऐसे नए नए तरीके से लोगों ने एस्केप किए हैं जैसे चाल सोब्राज का एस्केप हो गया एक टनल जैसे लगा के मैंने बताया आपको 16 मार्च 76 को भाग गए थे नकली पुलिस वाला बन के आ गया बड़े बड़े इसमें मतलब हम अगर ट्रेंड सेटर हैं रिफॉर्म्स में तो मुझे लगता है हम ट्रेंड सेटर हैं जेल एस्केप में भी तो उसने जब देखा कि वर्दी टंगी हुई है तो और देखा कि जेलर साहब को जो नींद अच्छे तरीके से आ रही है तो उन्होंने उनकी वर्दी पहनी और जूते वगैरह सारा उसको फिट आ गया उसका फिजिक बिल्कुल वैसा था जैसा जेलर साहब का था तो उसके बाद वो जेल से निकल गया तो जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले जेल वाले जेल स्टाफ जो कोई भी अगर एस्केप करता है हमें पता कब लगता है कि कोई प्रिजनर एस्केप किया है जब शाम की काउंटिंग होती है जब शाम की काउंटिंग हुई तो पता लगा कि फलां बंदा जो है भाग गया जेल से जेलर साहब ने खुद नहीं बोला कि मेरी वर्दी गायब है मैं सो के उठा ना ना वो तो बोले मरेंगे वो तो बिल्कुल अगर वो ये बोल देते तो फंस जाते ना उसमें तो उसमें क्या हुआ कि उनके मन में तो ये वाली बात होगी तो वो बंदा मिल नहीं रहा तो फिर हमारे एकदम 5-6 लोग हमारे थे हमने डिस्पैच किए जो जाके कि उसके घर गए एक उसकी बहन के घर गया तो बाद में हम पता लगा कि वो अपनी बहन के घर है तो उनकी बहन के घर पे जब इन्होंने एकदम रेड किया तो सोया हुआ था वर्दी पहन के सोया हुआ था जेलर साहब इधर सोए और फिर वो भाग के वहां सो गए वो वर्दी पहन के सोया हुआ था जब उसको पकड़ के लाए तो उससे पूछा कि तू क्या भाग के गया तेरे किसी ने रोका नहीं कहते जी आप रोकने की बात कर रहे हो मैं तो जब जेल से बाहर गया हूँ मेरे को उसने राइफल वाले ने सैल्यूट मारी है तो
ये भी बड़े अजीब किस्म का जो है ये वर्दी का इकबाल। मैं इस पूरी बातचीत को बिल्कुल करंट कंटेक्स्ट में लाना चाहता हूँ। निर्भया के जो रेपिस्ट हैं उनको फांसी की लगातार बात चल रही है। एक रेपिस्ट को फांसी हो चुकी है, इसको कई तरह से कहा जा सकता है इस सेंटेंस को। एक रेपिस्ट राम सिंह, जिसने कुछ लोगों के हिसाब से तिहाड़ में फांसी लगा ली, लेकिन आपकी बुक को पढ़ के लगता है कि राम सिंह खुद फांसी नहीं लगा सकता था, वो हाइट, रस्सी, बहुत सारी चीजें। व्हाट्स योर टेक, बोथ ऑफ यू? वेल, ये तो पूरा आई थिंक इससे ज्यादा क्लियरली कोई कह ही नहीं सकता कि राम सिंह का मर्डर हुआ। और मुझे याद है कि जब हम लोग तब रिपोर्टर्स, मैं NDTV में थी उस समय, और हम लोगों ने तभी भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमने तेलंगाना के एनकाउंटर का रिएक्शन देखा, लोग बड़ा खुश हो रहे, बहुत खुश हो रहे थे। उसी समय राम सिंह के मरने पे भी लोग खुश हो रहे थे। दिसंबर में पूरा हादसा हुआ, 16 दिसंबर में, और ये मार्च की बात है, और तो लोगों को लगा अच्छा ही तो हुआ, और किसी को चिंता, पोएटिक जस्टिस, एंड मतलब लाइक यू नो आई फॉर एन आई। और जो कि सबसे ज़्यादा वरिंग बात और मुझे हार्टनिंग भी बात लगी ये कि वहाँ पे सुनील गुप्ता जी को चिंता थी कि उनको जो प्रोसीजर है और जो सिस्टम है वो ये कहता है कि उन्हें हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखना चाहिए था, लेकिन वहाँ जब जेलर जो कि डिप्टी DG थी, उन्होंने कहा कि नहीं, उनके साथ वो बहुत ही इमोटिव हो गई थी और उनको लगा कि ये उनको छोड़ देना चाहिए जैसे भी है। और इन अ वे इंस्टीट्यूशन ने भी हेल्प किया और एक रोल प्ले किया उनके मर्डर में। व्हाई डू यू थिंक इट वाज अ मर्डर? हाँ, उसमें ये बात जो सुनेत्रा ने, क्या वो एविडेंस है? नहीं, एविडेंस एक तो जैसे है कि जो उसका फिजिक था उसके हिसाब से वो वहाँ तक ऊपर की जो सीलिंग की ग्रिल होती हैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था, जो मेरा सोचना था, क्योंकि एक बाल्टी पड़ी थी, बाल्टी का 1 फीट उसकी वो हाइट होगी, तो उसके ऊपर चढ़ के नहीं पहुंच सकता। दूसरा क्या है कि उस सेल में 3-4 लोग और थे, अकेला नहीं रखा हुआ था इसको, 3-4 लोग और थे। तो जब उनसे पूछा मैंने कि आई वाज वन ऑफ दी जो अर्लीस्ट जो पहुंच जाते हैं, अर्लीस्ट आप, मैं पहुंच गया। आपने अपने सामने उतरवाया था राम सिंह को नीचे? नहीं उतरवाया, नहीं तो ये अंडर दी रूल्स, जब ये ST अच्छा, वो टंगा हुआ था। हाँ, वो तब क्योंकि उसकी पल्स नहीं काम कर रही थी, तो फिर एज पर रूल्स जो है हमें बॉडी को नहीं छेड़ना होता, वो फिर STM आता है, STM आके जब इंक्वेस्ट करता है तो वो अपनी फोटो वगैरह लेता, सब कुछ करता, उसके बाद भी। तो आप जब पहुंचे तब टंगा हुआ था? टंगा हुआ था। तो मैंने जब उनसे, जो साथ वाले लोग थे, उनसे बात की कि कैसे इसने वो कर लिया, खुदकुशी कैसे कर ली, तो उनका ये कहना था हम तो सो रहे थे जी, मुझे पता था वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जेल में कोई भी इतनी गहरी नींद में तो नहीं सोता कि उसको ये ना पता लगे कि उसका साथी जो है वहाँ से बाल्टी खिसका के ले जा रहा है, वहाँ से कुछ और चीज़ें उसने उठाई हैं, जिसे कि एक रस्सा बनाया। रस्सी किस चीज़ की बनाई थी? उसने ये अपना जो पैजामा होता है जी, पैजामा, उसने उसको फाड़ के पैजामे की उसकी रस्सी बनी हुई थी, पैजामा जैसे होता है। हाँ, तो और सबसे ज़्यादा एविडेंस ये था कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि उनके बॉडी में अल्कोहल था, तो जबकि वो अल्कोहल जेल में कहाँ से, जेल कैसे पिए? अल्कोहल तो जेल में पहुंच, अल्कोहल तो उनको शराब पिलाकर उनको टांग दिया गया। ब्रूजेस वगैरह भी थे, और इतने लोग ब्रूजेस भी थे शरीर पे, चोट के निशान, और इतने लोगों के सामने कोई सुसाइड कैसे कर सकता, कैसे कर सकता? और कोई इसकी गंभीर जांच नहीं हुई? जांच हुई, मुझे जैसे ये निर्भया के अभी भी चल रहा है, जैसे अभी सुनेत्रा ने बताया हैदराबाद को जो एनकाउंटर किया है, सारे बहुत खुश हो रहे हैं कि इन्होंने, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, पब्लिक सेंटीमेंट की आड़ में बच गए। हाँ, पब्लिक सेंटीमेंट की ये क्या बिल्कुल सिमिलर है बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह वाला मामला, जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की, तो बेअंत सिंह को तुरंत ITBP के जवानों ने मार दिया। एग्जैक्टली। और कभी इस चीज की जांच नहीं हुई कि ITBP के जवानों ने बेअंत सिंह को क्यों मार दिया। बिल्कुल। और हमने वही, और मारा गोलियां तो सतवंत को भी मारी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बच गया, पर इस चीज की जांच नहीं हुई ठीक से। इस चीज की जांच नहीं, बिल्कुल। तो वही बस तो एक लाइन था, आई थिंक हमने किताब में भी यही लिखी है, पूरे जजमेंट पे ये लिखा हुआ था कि ये जांच होनी चाहिए कि उनको मारा क्यों गया, बट उस समय किसी को मतलब इन चीजों के और ये सब निटिग्रिटीज एंड द राइटनेस ऑफ लॉ किसी को उससे लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि हमें एक्चुअल आज तक कंस्पिरेसी थ्योरी पता नहीं चली है, कौन कौन था इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे, वो कितनी डीप रूटेड थी।
क्योंकि आप जो मेन लोग थे, एक को आपने मार दिया दूसरे को। और जैसे कि सुनील गुप्ता उस समय बताते हैं कि कुछ चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वैसे, जैसे वो पूरा कोचिंग, वो पूरा ये करते हैं कि कैसे विटनेस को कोच किया गया, पुलिस वाले कोच कर रहे थे कि तुम ये बोलो ये बोलो ये बोलो। आपके केहर सिंह की पत्नी की वाइफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, केहर सिंह की वाइफ को वो कह रहे थे कि वो इंटरेस्टेड पार्टी थी, उनको भी चाहिए था कि जल्दी से खत्म हो जाए ताकि उनको भी, और उनको पता नहीं क्या प्रॉमिस किया था, शायद मॉनेटरी भी, और वो पूरा रिलेट करते हैं किसी को सपोर्ट किया। और सुनील गुप्ता ये भी बताते हैं क्योंकि वो जेल में उन्होंने काफी करीबी से देखा, क्योंकि जेल में कोर्ट रूम बनाया गया था सबसे पहली बार उस समय, कि कैसे पूरा, अगर किसी और केस में दिस वाज़न्ट द राइट काइंड ऑफ जस्टिस दैट वाज़ कैरीड आउट, इट्स जस्ट दैट पीपल न्यू हु इट वाज एंड दे वर द यू नो, बट आई थिंक तो एक किस्म का तमाशा सा किया जा रहा था, खाना पूर्ति की जा रही थी लगभग जैसा वो लोग बताते हैं। अच्छा देखिए, ये निर्भया वाला जिक्र हुआ उससे कुछ बरस पहले, मतलब ये आप ठीक कह रही थी, पिछले 10 साल में तिहाड़ बहुत खबरों में रहा। कुछ वीआईपी पॉलिटिकल कैदी पहुंचते हैं आपकी जेल में, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इल्हाम था आपको कि ये आदमी भी दिल्ली का सीएम हो जाएगा कुछ दिनों में, जब आप बाद में सत्येंद्र जैन वगैरह से मिले। ऐसा नहीं तब था, तब तो इनका कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का इनका कोई विचार ही नहीं था जी। तब तो ये अन्ना की मूवमेंट जो थी वो तो पॉलिटिक्स के तो बहुत ही खिलाफ थे। कैसे थे लोग, इन लोगों का क्या व्यवहार था तिहाड़ के भीतर? अन्ना बहुत सिंपल वो थे, और अन्ना का जो है उनको जेल रूल्स की नॉलेज थी। वो कहते हैं मैं इतने साल तक जेल में रहा हूँ। अच्छा। शायद वो आज़ादी के उस टाइम पे भी कभी जी जी। जेल में रहे होंगे, तो उसके बाद भी कई एजिटेशन इन्होंने मास मूवमेंट लीड की हैं जिसमें कि वो जेल में रहे थे जी जी। तो जब इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, जब अन्ना को जब गवर्नमेंट ने अन्ना को अरेस्ट किया, अरेस्ट करके इनके जो सपोर्टर थे उनको तो यहाँ पे एक स्टेडियम था उसको जेल डिक्लेयर कर दिया था, उनको तो जेल वहाँ पे भेज दिया, अन्ना को तिहाड़ में भेज दिया, अन्ना को, अरविंद केजरीवाल को, उनके साथ कुछ एक और लोग थे उनको जेल, मनीष सिसोदिया वगैरह, हाँ उनको जेल में भेज दिया गया था। तो अन्ना जब जेल में आए तो हमारी जेल को सब तरफ से एजिटेटिंग क्राउड इतनी इकट्ठी हो गई थी, जो इनके सपोर्टर थे बाहर बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो अचानक गवर्नमेंट ने इस प्रेशर में आके आई थिंक इट वॉज द पैनिक रिएक्शन, उन्होंने कहा कि अन्ना को छोड़ दो। जब अन्ना को उन्होंने केस विड्रा किया, उन्होंने कहा अन्ना को छोड़ दो, तो अन्ना ने वहाँ से कुछ रजिस्टर किया कि मैं वो जेल से नहीं निकलेंगे जब तक कि वहाँ से उनको सीधा रामलीला मैदान में नहीं परमिशन दी, परमिशन नहीं मिलती है। तो उन्होंने रजिस्टर किया, तो उनका जो जेलर था वहाँ का वो इनको ये कह के लाया कि आपसे ना डीजी साहब बात करना चाहते हैं, झूठ बोल के फुसला के, झूठ बोल के लाया। और जबकि हमारा हेडक्वार्टर वहां से करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, तो जिस जेल में वो थे वहां से फ्रंट गेट पे, हाँ, ले, वहां से फ्रंट गेट पे ले आए। और आके उसने उस टाइम पे नीरज कुमार जी डीजी थे और डीआईजी थे आर एन शर्मा, तो आर एन शर्मा के कमरे में उनको ले आए। तो इनका गेम प्लान ये था कि ऐसे तो ये कह रहे हैं मैं जेल से निकलूंगा नहीं, तो जब वो ये वहाँ पे इनको ले जाएंगे तो वहाँ पे कह देंगे आप तो ऑलरेडी जेल से बाहर आ गए। तो किसी ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि वो क्या करेंगे आगे। तो उसके बाद जब इनको लाए डीआईजी के कमरे में लाए तो वहाँ बैठे, तो शायद अन्ना ने ये सोचा कि शायद वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आदमी आके इनसे बातचीत करेगा एजिटेशन के बारे में, इनकी डिमांड्स को मानने के बारे में, कोई ऐसा कुछ होगा। फिर वहाँ पे आए तो वहाँ पे उनको उस डीआईजी ने जब बातचीत वगैरह होगी, चाय वगैरह पी ली, तो उन्होंने कहा कि आप तो अब जा सकते हैं, कहते कि जा सकते हैं की... हाँ, तो ये कहते नहीं मैं तो अभी जेल में हूँ, मैं तो सोच रहा था जेल में हूँ, मैं छूट कैसे गया, कहते नहीं आपको तो छोड़ दिए जेल वालों ने। तो कहते नहीं मुझे पता है, मैं भी तो वहीं बैठा था, तो मुझे पता है कि जब आदमी जेल से निकलता है तो उससे अंगूठे लगवाए जाते हैं रजिस्टर में, मेरा तो किसी ने अंगूठा लगवाया नहीं, तो मैं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छूटा। तो खैर वो ये बात होगी, इतने में मेरे को आदेश मिला, क्योंकि बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, वो हजारों की तादाद में लोग जेल के बाहर इकट्ठे हो गए थे, तो मुझे आदेश मिला, क्योंकि मैं प्रेस ऑफिसर भी था जेल का जी, कि आप जाके बाहर जाके पत्रकारों को बता दें कि वो जेल से छूट चुके हैं। तो मैं बाहर गया, पत्रकार थे, तो कोई
200-300 मीटर की दूरी पत्रकार थे, मैंने पत्रकारों को कह दिया कि अन्ना को हमने जेल से छोड़ दिया। उससे थोड़ी देर पहले मैं अन्ना के साथ ही बैठा हुआ था, तो अन्ना और टीवी हमारे यहाँ लगा हुआ था, तो एकदम टीवी फ्लैश हुआ कि अन्ना हजारे जेल से रिहा। और मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अन्ना हजारे जेल से रिहा हो गया। फिर मैं दोबारा अन्ना के पास चला गया, अन्ना कहते हैं कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी है कि मैं जेल से रिहा हो गया। मैंने कहा ये आप जेल में थोड़ी बैठे हो, ये तो आप हेडक्वार्टर में बैठे हो, जेल से तो आप रिहा हो। कहते नहीं, जेल से तो मैं रिहा हो ही नहीं सकता, अब मैं जाऊँगा ही नहीं यहाँ से। उन्होंने फिर वहीं पर धरना दे दिया कि अब मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा क्योंकि आप लोग मेरे को झूठ बोल के यहाँ पे लेके आए हो। खैर उन्होंने धरना दे दिया, फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की करके, तो फिर हमारा जो कॉन्फ्रेंस रूम था, जो ऑफिसर्स का एक कॉन्फ्रेंस रूम है, तो उसको हमने खाली करके उसमें इनको बिठा दिया। तो फिर वो पूरा एक दिन प्रोसेस चला और फाइनली हो गए। सुनेत्रा, हम लोग बार बार वीवीआईपी कैदियों की बात कर रहे थे, वी विल मूव टू दैट, पर उससे पहले जो तिहाड़ की आखिरी फांसी है अभी तक की, अफजल गुरु की फांसी, बहुत ही वो आपने लिखा भी है आप लोगों ने कि मकबूल भट्ट वाले केस से काफी सिमिलैरिटीज थी, काफी जल्दबाजी में किया गया। मैं कहती हूं कि प्रोलॉग टू इट, अ फोरशैडोइंग ऑफ इट। हां, व्हाट वाज इट? मकबूल भट्ट बहुत लोगों को तो याद भी नहीं होगा, और अगर और इसलिए भी नहीं याद होगा क्योंकि वो पहले वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट थे और इस वजह से उनके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफी सारे डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए हैं। एंड वो इंक्लूडिंग हिज लास्ट मैसेज वगैरह, देयर इज नो प्लेस टू एस्केप टू बिकॉज़ आई डोंट फाइंड द प्राइड ऑफ कश्मीरीज इन इंडिया और पाकिस्तान। उसने कुछ उर्दू में जो है, नहीं मैसेज तो अलग था, ये तो आपसे बातचीत में कहा था। So what's amazing is the fact that Maqbool Bhatt, जो कि JKLF के founder थे और वो एक Indian plane के hijacking में भी involved थे, तो वो कश्मीरी separatist थे, उसका तो कोई argument नहीं है। लेकिन what is interesting is the fact that उन्हें भी hang किया गया for a very peripheral role। वहाँ पे हमारे एक Indian diplomat रविंद्र मात्रे UK में थे, उनको सेपरेटिस्ट ने, जब कश्मीरी सेपरेटिस्ट ने उनको किडनैप किया था 6 फरवरी 1984 उनकी लाश एग्जैक्टली और उनको रैनसम की जगह उनको ये कहा था कि अगर हम आपको छोड़ देंगे अगर यहाँ पे मकबूल भट्ट को रिलीज कर दिया जाए। तो क्योंकि उन्होंने ऐसा डिमांड किया था, जब उनकी बॉडी पाई गई नेक्स्ट डे, इट्स अ वेरी ट्रेजिक केस, इट्स सच अ यू नो, इन द यूके वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ अ वायलेंस विद आवर डिप्लोमैट्स एवर बिफोर, सो इट इज अ रियली ट्रेजिक केस। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि जो कि अफजल गुरु में भी कहा गया कि कलेक्टिव कॉन्शियंस, टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियंस, तो लोगों में इतना गुस्सा था कि हमारे एक डिप्लोमैट के साथ इस तरीके से उनको मारा गया कि उन्होंने तभी डिसाइड किया कि हमें इमीडिएट एक्शन लेना होगा। तो अब वहाँ के जो सेपरेटिस्ट या फिर जिस ग्रुप ने इनको अरेस्ट किया था उनको तो वो कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि, और ये एक इसलिए जेल में थे क्योंकि उन्होंने जब वो इंडिया और पाकिस्तान क्रॉस, वो यहाँ से कभी इंडिया से वो कश्मीर में जन्म हुए थे, लेकिन कभी कभी वो अपने स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के लिए पाकिस्तान चले जाते थे, वहाँ पर भी अरेस्ट हो जाते, और जब उनका मन करता था इंडिया में आने का तब वो इंडिया भी आ जाते। तो एक बार बॉर्डर क्रॉस करते वक्त एक उनसे उनके हाथापाई में एक सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हो गई थी और उस केस में वो यहाँ पे थे और वो डेथ सेंटेंस ही वॉज फेसिंग, बट वो डेथ सेंटेंस कोई उनका ना ही मर्सी पिटिशन हुआ था ना ही कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने सरकार ने तब डिसाइड किया, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इमीडिएटली उनका डेथ सेंटेंस ये हो जाएगा, और एक बिल्कुल सीक्रेसी में बिना किसी को इन्फॉर्म किए, उनकी फैमिली थी कश्मीर में, तो जैसे कि हम अफजल गुरु के मामले में देखते हैं कि अफजल गुरु के फैमिली को स्पीड पोस्ट में भेजा गया, यहाँ तब तक सेलफोन्स वगैरह सब जगह आ गई थी 2012 में 13 में, लेकिन किसी को नहीं इन्फॉर्म किया। सेम टाइप ऑफ थिंग यहाँ पे उनको ही लगा कि कुछ होने वाला है क्योंकि रविंद्र मात्रे को वहाँ पे मार दिया है, तो उनकी फैमिली जब दिल्ली आ रही थी कश्मीर से श्रीनगर से, उनको एयरपोर्ट में ही अरेस्ट कर लिया गया। तो बिल्कुल सिमिलर है, और उस समय भी उनके फैमिली को ना ही मिलने दिया, उनके उनके लॉयर्स से भी नहीं मिलने दिया, पूरे दिल्ली में पूरे तिहाड़ जेल में एक तरीके से एकदम फोर्ट्रेस बनाकर वहाँ पे उनको फांसी दी गई और वहीं पे उनको बैरी भी किया गया। लेकिन इस स्टोरी में भी मुझे फिर भी थोड़ा सा ह्यूमनाइजिंग ये लगता है कि उन्होंने, सुनील गुप्ता और बाकी जेलर्स ने कोशिश करने की ये पता करने की कोशिश की अच्छा कि इसके रिचुअल्स क्या होंगे। एमसीडी को बुलाया गया, उस जगह को कब्रिस्तान डिक्लेयर किया गया, तिहाड़ के ही किसी एक
किसी एक छोटे से एरिया को उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये अब कब्रिस्तान है। तो फिर वहाँ के कुछ मुस्लिम जो प्रिजनर्स थे, क्लेरिक को बुलाया गया, उन्होंने फिर उनके लास्ट राइट्स किए और उनको वहीं दफनाया गया, और वहीं पे मकबूल को और वहीं पे अफजल गुरु उसके पास ही अफजल गुरु को दफनाया गया। अफजल गुरु का आखिरी वक्त, चाय पीता है, एक चाय और मांगता है, चाय बनाने वाला जा चुका होता है, एक गाना गा रहा होता है। वो क्या था वो गाना, आपने भी साथ में? बिल्कुल, हम सारे, बल्कि सुप्रिटेंडेंट जेल और जेल का स्टाफ भी था। वो गाना था, ये बादल फिल्म का है, संजीव कुमार ने गाया हुआ है। उसमें है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। तो मुझे बड़ी हैरानी ये होती है देख के कि उसको, अगर को पता है कि कुछ एक मिनटों में ही बीइंग हैंग्ड, बट वो बिल्कुल जैसे एक होते हैं ना दीवाने होते हैं ना, वैसे वो गाना गा रहा था। वो पूरा गाना गाया उसने। अच्छा, तो जेल स्टाफ भी साथ ही उसके गा रहा। तो आई डोंट नो, मतलब कि उसका फेवरेट गाना था या उसको एकदम क्या था, उसको मौजूद लग रहा था। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, वैसे बहुत सारी चीजें हैं बात करने को, कैसे मनु शर्मा ने तिहाड़ जेल को एक ब्रांड में तब्दील किया, या उनके उनकी फैमिली ने पास में होटल खरीदा और कैसे ओबलाइज किया, या सुब्रत राय के मामले में किस तरह की सहूलियतें दी गई, या आपने यूनिटेक का जिक्र किया और किरण बेदी का टेन्योर ऑफकोर्स, पर मैं बात करना चाहता हूं सबसे आखिरी में उस चीज की जिस चीज से इस किताब को इसका टाइटल मिला, ब्लैक वॉरेंट, डेथ पेनल्टी में जो मिलता है ब्लैक बॉर्डर वाला, और आपने बहुत डिटेल में लिखा है, बड़ा वो चिलिंग अकाउंट है एक्चुअली, चाहे वो मकबूल के मामले में हो या दूसरे मामलों में, कि वो फांसी दी कैसे जाती है। तो वो फकीरा और वो जो दो पेयर में कालू और फकीरा फांसी देते थे पेयर में आके, या काले कपड़े क्यों पहनाए जाते जी हैं। एक केस ऐसा था जिसमें आपने घर वालों को जाके बताया, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो कुछ भी ठीक समझें, ब्लैक वारंट जारी होने से लेके और उसके एग्जीक्यूट होने तक, वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। हाँ, देखिए क्या होता है कि जब ब्लैक वारंट जो की का जो प्रोसेस जो है, अफजल के बाद काफ़ी चेंज हो गया। एक अच्छा, एक शत्रुघ्न चौहान की एक जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। पहले क्या होता था कि आपने जब ब्लैक वारंट ले लिया, राष्ट्रपति की मर्सी पिटीशन खारिज हो गई, आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ने उनको सजा दी है, सबसे पहले सजा दी थी, उनकी सजा जो है डिस्ट्रिक्ट जज दे सकते हैं, और विद तो डीजे के कोर्ट से आप डेट ले आए फांसी की। हाँ, डेट फांसी की ले आए। तो उन दिनों में क्या था कि अफजल के टाइम पे इसको सीक्रेट रखा जाता था। हम सीक्रेट रखना चाहें तो हम सीक्रेट रख सकते थे, हमारे पास बाद में बता देंगे जी, दो दिन पहले फांसी दे दी गई। हाँ, बाद में बता देंगे। तो क्योंकि ये अफजल का केस भी ऐसा था कि जिसमें एक सीक्रेसी, मेरा अपना सोचना है, एक सीक्रेसी रखने की जरूरत थी। तो उसमें इन्होंने चिट्ठी तो लिखी उनके, जब फांसी होती है, फांसी उन दिनों में एक हफ्ते का टाइम होता था ब्लैक वारंट इशू होने के बाद, उसमें वो डेट होती थी, एक हफ्ते की डेट होती थी कि आप इस डेट को इतने बजे लटका देंगे, और वो हमेशा सुबह का वक्त होता है। हाँ, सुबह का, क्योंकि आपकी जेल तब तक नहीं खुल सकती जब तक आप ये फांसी का प्रोसेस पूरा नहीं कर लेते हैं। जो सुबह की जेल खुलती है आपकी सुबह, अच्छा, फांसी से फंदे से उतारने के बाद फिर कैदियों को बैरकों से निकाला जाएगा, बैरकों से निकाला जाएगा, और जो रूटीन हमारा जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करना है या जो भी होता है, तो वो उसके बाद शुरू होता है। तो इसमें पहले होता था एक हफ्ते का टाइम, वो ब्लैक वारंट दिया और आप उसको, आपने फांसी पे लटका दिया, और आप मीडिया को बाद में बता सकते, घर वाले अगर मिल गए उन्होंने बता दिया लोगों को कि उसको ऐसे लटका रहे हैं, तब बात दूसरी है। अगर घर वाले नहीं बता रहे तो किसी को पता नहीं होता था कि किसी को हमने लटका दिया। पर अब जो है ये अफजल की फांसी के बाद जो है, अब ये प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट हो गया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसमें उन्होंने कर दिया कि आप ब्लैक वारंट, एक तो आपको 14 दिन का टाइम चाहिए, तो एक हफ्ते की जगह दो हफ्ते हो गया। अच्छा, दूसरा उस पर चेंज ये किया उन्होंने कि जब ब्लैक वारंट जज इशू करता है तब वो मुलजिम के वकील को सुनेगा या मुलजिम को भी सुन सकता है कि आपको इस डेट की फांसी की सजा दे रहे हैं इस, तो उसको भी अगर यू सेइंग कि मैजिस्ट्रेट के सामने वो जो उसको पेश कर सकते हैं, मुजरिम है वो पेश किया जाएगा, और यानी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप उनको उसके सामने वो बताएंगे कि तुमको इस डेट पे फांसी दे रहे हैं, ताकि वो अपने आप को
एक मेंटली तैयार कर ले कि इस तरीके को मेरा वो जाना है। कोर्ट को ये लगता है सौरभ कि, और ये हमने 2014 केस जजमेंट में देखा था जहाँ पे कोर्ट ने कई सारे लोगों को, आई थिंक अबाउट 20 लोगों को कोर्ट ने माफी दे दी थी, उसमें से सुरेंद्र कोहली भी है, आपके व्यूअर्स को भी शायद याद होगा, जिसमें जो निठारी मामला था उसमें, जी जो निठारी मामला था उसमें जो एक तो थे पंधेर जो कि साहब थे वहां पे, उनके साथ जो उनके लिए जो काम करते थे, हाँ सर्वेंट थे वो, उनका नाम था सुरेंद्र कोहली। तो सुरेंद्र कोहली को इन्होंने फांसी की देने की कोशिश की बिना बताए, उनको मेरठ जेल ले गए, गाजियाबाद से दसना जेल से मेरठ जेल ले गए क्योंकि वहीं पे फांसी, और जब उनको मेरठ जेल लेके गए फांसी चढ़ाने के लिए तब उन्हें पता चला कि अरे मुझे फांसी चढ़ने वाली है, जो कि होता रहता था उसके पहले। तो कोर्ट को जब ये पता चला, और उसके पहले उनको कई दिन, क्योंकि उनका रिजेक्ट हो गया था, उसके कई दिन उनको आइसोलेशन में भी लिखा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो कोर्ट ने अब बहुत ही क्लियरली कह दिया है कि अगर आप ये सब करेंगे तो फिर उनको हम माफ कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो उन्होंने फील किया वो मौत से भी ज्यादा बदतर है। बिल्कुल, तो ये उनका ये कहना था। इस पे अभी उन्होंने कर दिया कि आप मुल्जिम को सुनेंगे जब आप ब्लैक वारंट इशू करते हैं। इससे पहले एक बात ये है कि जब उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होती है, अब मर्सी पिटीशन जो रिजेक्ट होती है, पहले जो रिजेक्ट होती थी कई बार तो हम मुल्जिम को तभी बताते जब लटका रहे होते थे, एक दिन पहले बताते तेरी मर्सी पिटीशन जैसे अफजल गुरु को बताया रिजेक्ट होगी और तेरे को जो करने जा रहे हैं। तो अब आपकी जब मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुई है, आपको राइटिंग में मुल्जिम को बताना होगा कि तेरी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होगी और इस ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट हुई है। राष्ट्रपति ये नहीं कि सीधा ऑर्डर कर देंगे रिजेक्ट, नहीं, वो गृह मंत्रालय की रिकमेंडेशन, अब ग्राउंड्स वगैरह देने पड़ेंगे, इस ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट हुई है और उन ग्राउंड्स को वो चैलेंज कर सकता है इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन रिजेक्ट की, उसको भी चैलेंज किया, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है एज पर शत्रुघ्न चौहान जजमेंट, आप उसको चैलेंज। अच्छा, वो जब आप चैलेंज करें तो आपको पता ही कोर्ट का प्रोसेस लंबा, तो महीना, दो महीना, चार महीना लगते हैं उसमें। तो फिर राष्ट्रपति जी दोबारा नए ग्राउंड देंगे कि इन ग्राउंड पहले फिर से तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, हर बार जब भी आप मर्सी पिटीशन के अगर ग्राउंड को आप चैलेंज कर रहे हो, अगर फिर तो आप, अगर आपने वही ग्राउंड दोबारा दे दिए तो इट मींस कि आपने मर्सी पिटीशन के डिस्पोजल के लिए अपना जो एक जो आपको दिमाग लगाना चाहिए था आपने वो दिमाग अप्लाई नहीं किया। नहीं सर, पर ये तो बड़ा एंडलेस लूप हो सकता है ना कि हर बार प्रेसिडेंट कोई ग्राउंड दे और मैं हर बार उसको चैलेंज करूं। नहीं, उसमें क्या है कि जैसे एक उसने ग्राउंड दिए उसको आपने चैलेंज कर दिया, दोबारा अगर सपोज राष्ट्रपति जी ने वही वाले ग्राउंड दिए और उसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया, जो उसमें कमी पेशी निकाली थी वो इलेबोरेट कर दिया, तो आप ये नहीं कि आप चैलेंज करें तो वो आपको कोर्ट एडमिट कर रहे, कोर्ट उसमें एडमिट ही नहीं करेगी। एक तो मर्सी पिटीशन का जो बताया कि वो उसको चैलेंज कर सकता है, उसके बाद ब्लैक वारंट जब इशू होगा उसमें उसको हियर किया जाएगा मुलजिम को, उसके बाद उसके 14 दिन का टाइम बीच में होगा जिसमें कि ब्लैक वारंट इशुएंस और फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए मिनिमम 14 दिन का टाइम आपको देना होगा। कुछ मिथ हैं इससे जुड़े, मैं चाहता हूँ फटाफट बताएं। क्या आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है? नहीं, कि तुम्हारी आखिरी इच्छा तो कोई बताता हूँ, विल, विल पूछा जाता है, विल पूछी जाती है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो आप किसी को देना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, क्या फांसी की सजा देने के बाद वो कलम तोड़ देते हैं जज, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं? जनरली, जनरली, जनरली। अच्छा, तीसरा, वो काला कपड़ा पहनाते हैं फांसी देते वक्त? हाँ हाँ। क्यों? ये हाथ पैर भी बांध देते हैं, हाथ पैर बंधे होते हैं फांसी देते वक्त, और काला कुर्ता पजामा उसको जो है वो भी, और चेहरे पर भी काला, काला वो होता है। वजह? फांसी की जो चीज होती है इसको हर एक चीज एक तरह का ब्लैक एक्ट के हिसाब से देखा जाता है, ब्लैक वारंट। मेरी थ्योरी जो है वो ऑफ कोर्स फ्रॉम माय ओन डिडक्शन इज दैट इट्स सो अगली एंड सच हॉरिबल थिंग्स हैपन टू द बॉडी दैट दे हाइड इट विद दिस बिकॉज़ योर टंग कट्स आउट। जी जी, तो ब्लैक इसका, क्योंकि ब्लैक, यहाँ तक कि सौरभ मैं आपके व्यूअर्स को डराना नहीं चाहूंगी लेकिन उनका ये कहना है और मैंने सारे मैनुअल्स में भी ये पढ़े हैं कि अगर रस्सी अगर ठीक लेंथ की ना हो और फिर गर्दन अलग हो जाती है, बिल्कुल गर्दन अलग हो जाती है। अच्छा, क्या वो रस्सी हमेशा बक्सर से ही आती है पूरे इंडिया में? नहीं, पहले मैं आपको प्रोसेस पूरा बता दूं, पूरा बता दूं। उसके बाद क्या है कि जब उसके मिलने वाले आएंगे, मिल लेंगे, जब वो उनको मिलने के बाद जो है फिर तब वो अपने आपको मेंटली एक तरह का तैयार कर ही लेता है कि अब मैं लटकने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई बार प्रिजनर कोशिश करता है सुसाइड करने की,
बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट होती है, इसलिए उसके ऊपर 24 घंटे दो घंटे की वो सेंट्री चेंज होते हैं, नाड़ा भी नहीं अलाउ होता है। उसके बाद क्या कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जो चेंज लाए हैं, अब ये है कि पहले हमारा होता था एक ही एम होता था कि इसकी लाइफ को एक्सटिंक्ट करना, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया मर गया तो बॉडी को कर देना डिस्पोजल कर, पोस्टमार्टम भी कंपलसरी हो गया। बिल्कुल ठीक है, अब पोस्टमार्टम भी कंपलसरी हो गया। पोस्टमार्टम इसलिए कंपलसरी हो गया, वो देखेगा कि आपने जो हैंगिंग का जो प्रोसेस उसमें जेल मैनुअल में दिया गया है आपने प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं किया। अगर सपोज आपकी हड्डी टूटनी है, आपकी एक हड्डी गर्दन की टूटनी चाहिए और अगर आपकी तीन हड्डी टूट गई हैं गर्दन की, तो उसमें ये हो जाएगा कि आपने प्रोसेस ठीक जल्दबाजी में किया, ठीक से रस्सी नहीं बनाई, ठीक से वजन लगा। तो ये जो पोस्टमार्टम का जो है ये इन्होंने एक मैंडेटरी जो किया है उसके पीछे पूरा यही देखना है कि आपने प्रोसेस पूरा फॉलो किया है। और अगर मेरे हिसाब से पहले तो क्या होता था कि कोई एग्जीक्यूशनर की जरूरत नहीं होती थी, पहले एग्जीक्यूशनर की वैसे साइड रेफरेंस थी उस इतनी जरूरत नहीं होती थी, पर अब मुझे लग रहा है कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिना एग्जीक्यूशनर के अगर वो कैसे मतलब किसी को जल्लाद की नौकरी चाहिए तो उसके अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए, देखिए मतलब क्या एग्जामिन करते हो आप, जैसे डॉक्टर इंजीनियर ये सब चीजें। देखिए जल्लाद की नौकरी अगर चाहिए हो, अब एक आदमी जब अपने आप को जलाद समझता है ना तो वो अपना वेशभूषा वैसी पहनता था, जैसे मैंने दो जलाद देखे हैं अपने पूरे कैरियर में, एक कालू राम देखा है और फकीरा, एक फकीरा, फकीरा एकदम बड़े काले रंग का वो होता था, एकदम उसका शक्ल देख के लोग उसको भूत कहते थे, मतलब जो स्टीरियोटाइप है जल्लाद के उनको फुलफिल करता था। जो कालू राम था वो उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी थी, पेट आगे निकला हुआ था और वो बिल्कुल जैसे मतलब ये अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बना के रखते हैं जैसे यमराज होता है, उस टाइप की जो पर्सनैलिटी बना के रखने का इनको, इनको हर महीने बधी तनख्वाह मिलती है, ये जेल के एम्प्लॉय होते हैं। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि देखो जल्लाद अगर आप जेल में रख रहे हो तो जल्लाद की आजकल जरूरत तो पड़ती नहीं है आपको, कहाँ फांसी होती है आप जैसे अगर देखें, ये तो चलो 2013 पहले हमारी 20-20 साल तक कोई वो नहीं होती थी, आपने जलाद रख लिया कोई फांसी आपने कोई दी नहीं तो आपने बेकार में आपने बिठाया उसको खिलाया, तो इसलिए अब क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने, कॉन्टैक्ट पे रखना शुरू कर दिया, उससे साथ के साथ सिक्योरिटी का उसका वार्डर का काम भी ले लेते हैं और उसको जलाद मौका पड़े तो जलाद का काम भी, और वो शराब पी के ही फांसी पे चढ़ाते हैं। अब जब आपने नहीं, अब तो ये ऐसा नहीं होना, क्योंकि पहले जो ये थे पहले ये एक रिवाज होता था कि शराब पी के नहीं, शराब पहले जो पीते थे अपने जब उसमें होते थे जहाँ पे उनको ठहराया जाता था वहाँ शराब की बोतल दी जाती थी उनको, तो शराब वो पीते थे जनरली रम वगैरह ये इनको जो दे दी जाती थी, और 150 रुपये मुझे याद है जहाँ तक कि 150 रुपये इनका जो फीस होती थी पर हैंगिंग की, फांसी चढ़ाने की 150 और दो हैं तो 75-75 बढ़ जाएंगे कि दोनों को 150 दो है तो 300 मिल जाएंगे, 150 रुपये पर उसका वो था। तो अब जो मैं बात कर रहा था, अब एग्जीक्यूशनर इनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर अब जेल स्टाफ जो है फांसी दे देता है और पोस्टमार्टम में यह आ जाता है कि इसको फांसी आपने जेल मैनुअल के जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है उससे नहीं दी, सपोज गर्दन की हड्डी ज़्यादा टूट गई या गर्दन अलग हो गई या कुछ और हो गया, तो जेल सुप्रिंटेंडेंट तो बिलीव नहीं वो तो मारा जाएगा बिल्कुल, उसकी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो हो के वो अपनी नौकरी नहीं बचा सकते, इसलिए अब इनको एग्जीक्यूशनर जरूर रखना चाहिए ताकि जिम्मेवारी उसके ऊपर डाल सके कि जल्लाद ने जो कुछ किया है जल्लाद ने किया। कानून के मुताबिक जो कानूनी कत्ल है, सुनेत्रा जैसे लोग जो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है और आपके जैसे लोग, मेरी इस पर कोई राय नहीं, मैंने उतना पढ़ा नहीं है तो अब मैं थोड़ा, हमारे वक्त में क्या है गुप्ता जी कि लोग बहुत जल्दी राय बना लेते हैं, उनको चीजों के बारे में पता हो ना पता हो वो तुरंत पक्ष या विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि किसी भी चीज के बारे में आप अपना फाइनल से जब बनाए तो खूब पढ़ लें, है ना, और उसके बाद यू कम अप विद अ लॉजिक। पर ये ब्लैक वारंट के बारे में मेरी जो राय है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इसको खूब क्या पूरा शब्दशः पढ़ने के बाद है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। और आपको पता है कि जब मैं कोई किताब रिकमेंड करता हूँ, ये मैं कुछ बुक्स में बोलता हूँ, सब में नहीं बोलता, कई बार ऑथर्स को बुलाते हैं, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, बट जब आई जेन्युइनली फाइंड एनी बुक इंटरेस्टिंग एंड आई रिकमेंड टू माई व्यूअर्स, सो थैंक यू सो मच सुनेत्रा चौधरी और सुनील गुप्ता जी। बहुत सारी चीजें हैं इस किताब की जो बहुत दिलचस्प है, मेरे सारे पन्ने मुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट हर चौथा पन्ना, लेकिन वक्त की कमी है राजी, कितना वक्त हो गया, डेढ़ घंटे से ज्यादा हो गया है, और ऑन पेपर जैसे आपके जेल मैनुअल में ऑन पेपर बहुत चीजें होती हैं, ऑन पेपर ये प्रोग्राम 45 मिनट्स का होना चाहिए किताब वाला,
पर आप लोग लगातार देखते हैं, सराहते हैं, दरेरा देते हैं जब भी किताब वाला कोई एपिसोड मिस हो जाता है। दरेरा देने का वक्त बीत चुका है, किताबें पढ़ने का वक्त हमेशा होता है, हमेशा सही वक्त होता है। मोबाइल की दुनिया से, ब्लैक मिरर की दुनिया से दूर रहिए और ब्लैक वॉरेंट जैसी किताबों की दुनिया में दाखिल होइए ताकि आपकी जिंदगी समृद्ध हो। ब्लैक वॉरेंट जिसे पब्लिश किया है रोली बुक्स ने और इसके पेपरबैक की कीमत है 395 रुपीज। आई एम श्योर अमेजोन पे और ई बुक एडिशन में ये और भी सस्ती होगी। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जेल पे तीसरी किताब भी लिखेंगी नाना करते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानियां बची रह गई हैं, खास तौर पे पर्सनली मैं बताऊं तो एक जगह मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरे, और जितने भी लोगों ने ब्लैक वॉरंट पढ़ी सबके ये एक जगह अलग अलग है। जैसे मेरी दोस्त जिन्होंने मुझे रिकमेंड की, उनको वो अफजल गुरु की जो आखिरी ख्वाहिश थी, ये कब चाय और मिल जाएगी, क्या नहीं मिली। मैं जब संजय और गीता चोपड़ा के किडनैप और रेप के डिटेल्स पढ़ा, मतलब उनके साथ जो हुआ, रंगा बिल्ला ने जो किया बच्चों के साथ 16 और 14 साल के बच्चे लड़ रहे हैं, झपट रहे हैं, जैसे उन्हें मारा गया, वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। मतलब वो दिल्ली का पहला निर्भया, मतलब दैट वाज वेरी ब्रूटल। मतलब हमारे घर के बच्चे, हम खुद कभी 16-14 साल के रहे हैं और वो राइट मांग रहे हैं, और फिर उनके साथ जो हो रहा है, जैसे कैंप अकोला देते वक्त, अरे वो बहुत ज्यादा, बहुत डरावना था। पर कई डरों से वावस्ता होना बहुत जरूरी होता है ताकि हम चौकन्ने रहें। बहुत शुक्रिया सुनेत्रा चौधरी, सुनील गुप्ता। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। किताब वाला के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।